ये कहा कि इनमें से एक विधायक ने फोन किया और कहा कि हमारी बात हो गई है, अब जो है आप आ जाइए तो आपको सामने में करके बात करा देंगे, इतने का ऑफर है, मिनिस्ट्रियल बर्थ दी जाएगी। बिल्कुल, तो जो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश ठाकुर, वो लगातार यहाँ पर पीसी कर रहे हैं और आपको बता दें कि उनके पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के विधायक ने शिकायत की है, उन्हीं की पार्टी के विधायक को पकड़ा गया है और पैसे भी उन्हीं की पार्टी के विधायक के कार में मिले हैं। मनीष मेहता हमारे साथ जुड़े हुए थे। मनीष मेहता, आपका बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा मामला सामने से जितना आसान दिख रहा है, अंदर से उतना ही पेचीदा है। सवाल ये उठ रहा है, ये पैसे उन्हें क्यों मिले थे, ये पैसे वो कहाँ लेकर जा रहे थे, और सवाल यहाँ पर ये भी है कि क्या झारखंड सरकार को गिराने की कोई बड़ी साजिश यहाँ पर रची जा रही थी, जैसा कांग्रेस के लोग कह रहे हैं। और अब बात करेंगे बिहार में बीजेपी के बड़े कार्यक्रम की, जिसको लेकर पार्टी ने पूरी तरीके से तैयारी की है। आपको बता दें कि कुछ ही मिनटों में अमित शाह का जो काफिला है वो एयरपोर्ट से बाहर आने वाला है और तमाम तरह की तैयारी की गई है। हमने भी अपनी तैयारी की है इस कार्यक्रम की पल पल की अपडेट को आप तक पहुँचाने के लिए। और इस वक्त जी बिहार झारखंड के ब्यूरो चीफ पटना रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं। रजनीश, जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अब कुछ ही वक्त है, कुछ ही मिनटों का वक्त बचा हुआ है जब अमित शाह निकलेंगे एयरपोर्ट से, रजनीश। देखिए, अमित शाह कुछ ही वक्त में एयरपोर्ट से निकलेंगे और एयरपोर्ट से निकलने के बाद वो मौर्य होटल जाएंगे, जेपी नड्डा वहां से पहुंचेंगे और वहां पे उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद पुस्तक का विमोचन का समय जो है यहां पे 2 बजे का है और राज्यपाल गंगा प्रसाद सिक्किम के वो यहां पे पहुंच चुके हैं और तमाम लोग जो है यहां पे पहुंच चुके हैं और उनका जो अविरल गंगा जो स्मृति साक्ष है ये पुस्तक, उसका विमोचन होना है। सिक्किम के मुख्यमंत्री भी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो इन तमाम बातों के बीच में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम है और उसके ठीक बाद बापू सभागार जो बगल में है वहाँ से ज्ञान भवन यानी जो अटल ये सभागार बनाया गया है, अटल परिसर, यहाँ पे जो समापन सत्र है वो होगा और इस समापन सत्र में जो मूल मंत्र है, 2 दिनों का जो मंथन है, विचार विमर्श के बाद जो बातें निकल कर आई हैं उसको एक कॉम्पैक्ट तरीके से रखेंगे चीज़ों को कि किस तरीके से यहाँ पे बातों को लेकर आगे बढ़ना है और वो जो मूल मंत्र है वो कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के नेताओं के लिए एक दिशा निर्देश होगा, जो रणनीति तय की गई है उसे यहाँ पे बताया जाएगा और उसको लेकर लोग अपने अपने राज्यों में और दूर दराज के इलाकों में जाएंगे और वहाँ पे फिर ब्लॉक स्तर तक और बूथ स्तर तक उन बातों को पहुँचाएंगे। बूथ को मजबूत करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे कुछ जो लोग हैं वो पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पे प्रतिनिधि के तौर पे, डेलीगेट्स के तौर पे उपस्थित हुए हैं, अभी थोड़ा सा एक बीच में एक अंतराल है और इस अंतराल के बाद फिर सत्र जो है उसकी शुरुआत होगी। तो इस तरीके से अटल परिसर में जो देश भर के लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं वो यहाँ से एक मूल मंत्र लेकर जाएंगे। देखिए, तमाम सारे जो लोग यहाँ पे आए हैं वो पार्टी के मंझे हुए लोग हैं और तमाम जो 7 मोर्चा हैं पार्टी के उनके प्रतिनिधि हैं देश भर के और अपने अपने जो देश, अपने अपने जो राज्यों में वो जो जिस तरीके से मुहिम चला रहे हैं, यहाँ पे जो टास्क सौंपा गया था, चूँकि बाहर के दूसरे राज्यों के लोग यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे तो वो बिना किसी झुकाव के बातों को एसेस कर पाएंगे, कमियों खामियों को ढूंढ पाएंगे और जो गतिविधियां चलानी है वृक्षारोपण से लेकर योजनाओं को मूर्त रूप देने से लेकर और साथ ही साथ उन्होंने उन क्षेत्रों में जो पर्यटक स्थल है उसका दौरा किया है, वहां के स्थानीय जो स्वतंत्रता सेनानी है उसको सम्मानित किया है। तो एक तरीके से जो सामाजिक कार्य है, इसके अलावा पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जनहित की बातें हैं और केंद्र सरकार की जो कल्याणकारी योजना है इसकी भी समीक्षा की गई और वहाँ से उन बातों को लेकर यहाँ पर आए हैं। अगर पार्टी को लगता है कि इसमें कुछ कमियां खामियां हैं तो उसको भी समय रहते दुरुस्त किया जाएगा, अभी एक लंबा वक्त है, लेकिन यही वजह है कि बीजेपी दूसरे पार्टियों से इन कार्यक्रम और कार्यकर्ता और जो कार्यालय का कॉन्सेप्ट है ये अलग बनाती है और यही वजह है कि अभी से कार्य रूप जो है वो दिया जा रहा है लक्ष्य को साधने को लेकर और लोग यहाँ पे 2 दिन जो चिंतन मनन किए हैं उसमें अंतिम रूप से जो बैठक अभी होनी है समापन सत्र का उसमें देखना होगा कि किस तरीके से संबोधन होता है अमित शाह का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का और इसको लेकर एयरपोर्ट पर भी बड़ी तादाद में तैयारियाँ जो है वहाँ पर अमित शाह के स्वागत में है। आपने देखा होगा, हमारे दर्शकों ने भी देखा कि किस तरीके से
कल जब जेपी नड्डा आए थे तो पटना की सड़कों पर कार्यकर्ताओं ने एक हुजूम और बीजेपी के भक्तिभाव से ओतप्रोत एक सैलाब सा उत्पन्न किया था और अलग अलग रंग देखने को मिले थे। हर कार्यकर्ता और नेताओं ने कोशिश की थी कि कुछ अलग रंग जो हैं अपने ओर से अपने नेता के जो स्वागत में पेश कर सके, और ये जो एक पॉजिटिव वेव है और जो साथ ही साथ ऊर्जा है वो कार्यकर्ताओं को भी मिलती है, नेता ऊर्जान्वित होते हैं ऐसे कार्यक्रम से, और फिर वो दिशा निर्देश देते हैं और जिससे कार्य जो है वो फलीभूत होता है। तो लक्ष्य को साधने की कोशिश के तहत दो दिवसीय चिंतन मनन, उसका आखिरी सत्र थोड़ी देर बाद यहाँ पे उसका समापन सत्र जो है संबोधित होना है, और बगल में जो है वो पुस्तक का विमोचन अभिरम गंगा का। जी बिल्कुल रजनीश, तो लगातार कई तरह के कार्यक्रम वहाँ पर रखे गए हैं, एक उत्साह है जो बीजेपी कार्यकर्ताओं के चेहरे पर इस वक्त नजर आ रहा है। रुक करेंगे रुपेंद्र का। रुपेंद्र, आप जहाँ पर मौजूद हैं सबसे ज्यादा हलचल वहीं पर है, हम लगातार बता रहे हैं, तो क्या स्थिति है वहाँ, तस्वीरें भी दिखाइएगा थोड़ी सी रुपेंद्र जी। पूरी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आप पहले अपने कैमरा पर्सन दिखाएं कि अमित शाह के स्वागत के लिए देखिए जिस तरह से हम बता रहे थे कि सड़क पर देखिए किस तरह से फूले बिछा दिए गए हैं, और देखिए कि जो किनारे किनारे जो हैं महिलाएं जो हैं आरती करने के लिए जो है वो खुद खड़ी हुई हैं, और उसके अलावा 51 जो है पंडित जी बुलाए गए हैं वो जो है मंत्र उच्चारण करेंगे। ये सारे जो पंडित जी हैं वो पटना के पटन देवी मंदिर के जो हैं वहाँ से आए हुए हैं, खासतौर पर वहाँ के महंत जो हैं वो भी आए हुए हैं। और देखिए जहाँ हमारे दर्शक जो सीआरपीएफ के जवान देख रहे हैं, जहाँ पटना के प्रशासनिक अधिकारियों को देख रहे हैं, वहाँ पर ही अमित शाह जी का जो है स्वागत किया जाएगा। तमाम चीज़ें हैं वहाँ पर अमित शाह आएंगे, फिर जो फूल जो बिछाए गए हैं जहाँ पर, ये तमाम जगह जो है आरती। बिल्कुल रुपेंद्र, रोकना चाहेंगे रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए, रजनीश के पास कुछ जानकारी। रजनीश हाँ, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो यहाँ पे पहुँचे हैं, और उनका काफिला जो है ये पहुँचा है अभी बापू सभागार में, और ये ज्ञान भवन के पोर्टिको से आगे बढ़े हैं सभास्थल की ओर, और बापू सभागार में पहुँच कर यहाँ पे पुस्तक का जो विमोचन होना है इसको लेकर यहाँ पे वो उपस्थित हुए हैं। मुख्य जो विमोचन के तौर पर जो अतिथि हैं वो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और बीजेपी के बड़ी संख्या में जो नेतागण हैं उनकी भी यहाँ पे उपस्थिति है, और लगातार देखिएगा कि किस तरीके से कारकेट जो है वो पहुंच रहा है। राज्यपाल सिक्किम गंगा प्रसाद, उन्होंने पुस्तक लिखी है, वो पहले ही यहाँ पे उपस्थित हो चुके हैं, और अंदर में पटना के प्रबुद्ध जन जो है उनकी भारी तादाद में उपस्थिति है, और इन सबों की उपस्थिति के बीच में पुस्तक का विमोचन होना है, और अब कार्यक्रम की शुरुआत होगी, और जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और इस कार्यक्रम के समापन के बाद फिर समापन सत्र जो है यहाँ पे संबोधन होगा, और अमित शाह यहाँ पे पहुँचेंगे, और इसके बाद 5 बजे की अगर बात कर ले तो पार्टी कार्यालय बीजेपी में वहाँ पे तमाम सारे जो सांसद हैं और इसके अलावा विधायक और विधान पार्षद यानी MLC इन सब के साथ बैठकों का दौर चलेगा, और उसके बाद पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक है और कोर कमेटी की बैठक है जेपी नड्डा की उपस्थिति में, अमित शाह भी पार्टी कार्यालय में होंगे, और इसके बाद कोर कमेटी जो है उसमें जो महत्वपूर्ण आज जो 2 दिनों के जो मनन चिंतन हुए हैं इसमें यहाँ पे समापन जो सत्र है इसमें तो बातें होंगी भी, और इसके बाद आगे किस तरीके से कार्य योजना हो इसको लेकर कोर कमेटी में भी महत्वपूर्ण बैठक होनी है, निर्णय लिया जाना है, और इसको लेकर अब जेपी नड्डा यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और कार्यक्रम में जो एक श्रृंखला है उस कड़ी में पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम की शुरुआत अभी होने जा रही है। जी बिल्कुल रजनीश, जाहिर सी बात है कि इस वक्त हमने देखा, तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरीके से जेपी नड्डा वहां से निकल चुके हैं ज्ञान भवन से। फिर से रुक करेंगे रुपेंद्र का। रुपेंद्र, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी क्योंकि हमें जेपी नड्डा की तस्वीरों को दिखाना था। रुपेंद्र जी बता दें कि देखिए कि किस तरह से महिलाएं जो हैं, जैसा कि हम पहले बता रहे थे कि दोनों तरफ जो है हाथों में थाल लेके जिसमें जो है आरती के समान जो है कपूर है तमाम चीज़ें लेकर जो है खड़ी हैं कि वो जो है आरती जो है वो करेंगी महिला। और देखिए तस्वीरों में कि किस तरह से जो है पंडित जी जो है उनको बुलाया गया है और किस तरह से सड़क को जो है सजा दिया गया है तमाम चीज़ें हैं। वहीं दूसरी तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि देखिए अमित शाह के स्कॉट की गाड़ियां जो हैं आधी स्कॉट की गाड़ियां जो है बाहर में रख दिया गया है, और देखिए अमित शाह के लिए बैनर पोस्टर तमाम झंडे लेकर जो उनके बीजेपी के कार्यकर्ता हैं नेता हैं वो तमाम लोग खड़े हैं। और ये काफिला यहीं तक नहीं है, ये काफिला जो है एयरपोर्ट के अगर हम बाहर निकलते हैं तो LJP कार्यालय तक जो है
काफिला है वो है पूरी सड़क के दोनों तरफ जो है, देखिए तिरंगे झंडे यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे जो हमारा राष्ट्रीय है, हमारा जो झंडा है तिरंगा, उसे देखिए कि लेकर कार्यकर्ता जो है पहुंचे हुए हैं और यही तिरंगा झंडा जो है सड़क पे जो है लगाया गया है अमित शाह के स्वागत में। बीजेपी के झंडे जो है दिख रहे हैं, बीजेपी के लोग आवाज़ शोरगुल, क्योंकि जो गाजे बाजे बज रहे हैं वहाँ तक हम नहीं अभी पहुँच पाएंगे क्योंकि इतनी भीड़ है। अपने दर्शकों को बता दें कि गाजे बाजे सब जो है बज रहे हैं, तैयारी है, अब कुछ ही क्षणों का इंतजार, कुछ ही पलों का इंतजार है बाकी है और अब अंतिम रूप जो है अमित शाह के जो स्वागत के लिए जो है वो दे दिया गया है। और देखिए लगातार जो है लोग जो है यहाँ लगे हुए हैं, अमित शाह का स्वागत जो है यहीं पर होगा और भव्य स्वागत होगा। हाँ, जैसा कि अमित शाह जब से पटना आ रहे हैं, हम बता दें कि इस तरह का स्वागत जो है अमित शाह के पटना एयरपोर्ट पर अभी तक हमने नहीं देखा था, क्योंकि जब से अमित शाह जो, क्योंकि जब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, पार्टी के अन्य पद पर थे, खुद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उस समय भी कई बार अमित शाह जो हैं वो आया करते थे। आपको गंगा प्रसाद जो राज्यपाल हैं सिक्किम के, उनके घर अमित शाह जो है आज से 15 साल 18 साल पहले भी कई बार आके रहे हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, पुरानी यादों को बता रहे हैं, लेकिन इस तरह का स्वागत जो है अमित शाह का जो एयरपोर्ट पे नहीं किया गया था, जिस तरह का स्वागत की तैयारी जो है आज की गई है। और ख़ास करके जब बीजेपी का जो कार्यक्रम है, दो दिवसीय कार्यक्रम है, सभी मोर्चों 7 मोर्चों का जो आपको कार्यक्रम है उसके समापन पर अमित शाह रहे हैं और इस तरह की जो है तैयारी जो है खास तौर पर की गई है। तो देखिए तस्वीरों में कि सभी लोग जो है, महिलाएं जो हैं हाथ में थाल लेके जो है आरती के थाल वो तैयार हैं और जो है जो पंडित जी हैं मंत्र उच्चारण करने के लिए वो तैयार हैं। इस जगह का कमान जो है ऋतुराज जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं उन्होंने संभाल रखा है। और देखिए कि ऋतुराज जो हैं वो लगे हुए हैं, नितिन नवीन बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री, ये दोनों आदमी देखिए अब दोनों जो है यहाँ पर मौजूद हैं और तमाम लोग जो हैं, तमाम नेता जो हैं वो अब अमित शाह का इंतजार कर रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाने का प्रयास करें कि यही आगे जो गेट बंद है उसी गेट के, जो गेट बंद है उसी गेट से जो है अमित शाह जो है थोड़ी देर के बाद जो है आने वाले हैं। तो ये तस्वीर जो है ये देखने को मिल रही है, देखिए हाथ में शंख जा रहा है, ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। तो देखिए किस तरह से जो है अमित शाह के लिए अब बताया जा रहा है कि किस तरह से मंत्र उच्चारण किया जाए, नारे लगाया जाए। और अब देखिए एक रिहर्सल हो रहा है, मंत्र उच्चारण का रिहर्सल जो है अमित शाह के आने से थोड़ी देर पहले, देखिए किस तरह से जो है मंत्र उच्चारण का रिहर्सल जो हो रहा है वो हो रहा है। तो ये खास तैयारी जो है गृह मंत्री, देश के गृह मंत्री अमित शाह के लिए किया गया है और अब वो थोड़ी देर में जो है वो आने वाले हैं। पूरा सुरक्षा व्यवस्था जो है देखिए CRPF ने अपने हाथ में, एयरपोर्ट अथॉरिटी के जो है CISF उनके जवान, CRPF के जवान, बिहार पुलिस के जवान, बिहार पुलिस के अधिकारी, तमाम लोग जो है सुरक्षा व्यवस्था में जो है लगे हुए हैं। थोड़ी देर बाद जो है अमित शाह पहुँचने वाले हैं और ये खास तैयारी जो है हमारे जो दर्शक हैं वो देख रहे हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं कि किस तरह से जो है पुलिसिया व्यवस्था किया गया है, किस तरह से देखिए कि जो है तमाम जो है पुलिस के अधिकारी, तमाम सिक्योरिटी जो है वो तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, बस आने का इंतजार है अमित शाह बिल्कुल देश के गृह मंत्री का जी। बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं और जैसे ही अमित शाह वहाँ से निकलेंगे तो लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। रितेश का रुख करते हैं। रितेश, इंतज़ार की घड़ियाँ जैसे जैसे लंबी हो रही हैं, इंतज़ार का वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन उत्साह है कि बढ़ता ही जा रहा है। रितेश सब
सबसे बड़ी बात है कि अमूमन होता है कि जैसे जैसे इंतजार की घड़ियां लंबी होती हैं, कार्यकर्ता जो है उसके उत्साह में कमी आती है, लेकिन यहाँ तो कार्यकर्ताओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है, हुजूम बढ़ रहा है। और देखिए कि मौसम में भी लगता है कि कार्यकर्ताओं की जो पीड़ा थी, जो गर्मी में परेशान थे, तरबतर थे, पसीना थे, सुन लिया है लगता है। और मौसम भी बड़ा खुशगवार हो चुका है। तमाम जो सुरक्षा अधिकारी हैं, पटना SSP, इसके अलावा BJP के जितने भी बड़े नेता हैं, सारे लोग एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। किसी भी क्षण अमित शाह पहुंच सकते हैं। और देखिए कि ये एयरपोर्ट का एंट्री पॉइंट है, लेकिन इतनी ज़्यादा कार्यकर्ताओं की यहाँ पर भीड़ है, सभी लोग रास्ते में खड़े हैं, क्योंकि एयरपोर्ट पर जब उतरेंगे अमित शाह स्ट्रीट गेस्ट हैंगर से, वो सीधे इसी रास्ते से फिर ज्ञान भवन के लिए आगे बढ़ेंगे। पायलट की गाड़ियां भी लग गई हैं, लेकिन बड़ी तादाद में कार्यकर्ता यहां पर देश के झंडा के साथ, तिरंगा के साथ डटे हुए हैं। BJP का भी झंडा सभी के हाथों में है। इसके अलावा आप देखिए कि यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम भी जो BJP कला प्रकोष्ठ है उसकी तरफ से किया गया है। और ये कार्यक्रम जो है पिछले 3-4 घंटे से ऐसे ही जो सिंगर्स हैं वो अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। तो BJP के बारे में ये कहा जाता है कि जो भी इसके विंग्स हैं, सभी लोगों को समुचित मौका मिलता है। कोई ये शिकायत नहीं कर सकता है कि किसी खास कार्यक्रम में उसकी उपेक्षा हुई है, उसे नहीं पूछा गया। देखिए कि बड़ी तादाद में जितने भी 7 मोर्चा से, चाहे वो SC ST मोर्चा की बात करें, अल्पसंख्यक मोर्चा की बात करें, महिला प्रकोष्ठ की बात करें, युवा प्रकोष्ठ की बात करें, सभी लोगों की सहभागिता है। सुबह में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। थोड़ी ही दूर पर अगर एक बार जूम इन करें दीनानाथ हो जाए, देखिए कि भगवान शंकर, माँ पार्वती, भगवान गणेश की भव्य यहाँ पर कटआउट लगाया गया है। और जो लोग हैं BJP के, उनका कहना है कि वहाँ पर अमित शाह जी थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, क्योंकि वहाँ पर बड़ी तादाद में महिलाएं जो हैं उनके स्वागत के लिए मंत्रोच्चार कर रही हैं। इसके अलावा मैंने भी दिखाया कि किस तरीके से जो पटन देवी के जो पुरोहित हैं वो पहुँचे हुए हैं। रुपेंद्र ने भी दिखाया कि किस तरह से वो मंत्रोच्चार करेंगे। यानी जो हमारी कला है, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, इन सारी चीजों को यहाँ पर प्रकट किया गया है, प्रकटीकरण किया गया है। क्योंकि BJP की बात करें तो BJP कोर हिंदुत्व वाली पार्टी है, और परंपरा और संस्कृति BJP के कोर वैल्यूज में आते हैं। BJP की असल ताकत यही USP है, और यही कारण है कि आप देखिए बिल्कुल इच्छा से इतनी बड़ी तादाद में पिछले 5 घंटे से यहाँ पर BJP के कार्यकर्ता। बिल्कुल रितेश, मैं लौटता हूँ आपके पास। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से उत्साह नजर आ रहा है, और क्या कुछ तस्वीरों के जरिए जो कुछ भी निकल रहा है वो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ज्ञान भवन चलेंगे, जहां से धीरज ठाकुर हमारे साथ बने हुए हैं। ज्ञान भवन से अभी हमने देखा कि मौर्या होटल की तरफ गए थे JP नड्डा, जहां पर किताब के विमोचन का कार्यक्रम है, और उसके बाद आज ज्ञान भवन में क्या कुछ कार्यक्रम है धीरज? देखिए, ज्ञान भवन में अभी से कुछ देर बाद 3-3:30 बजे के बीच में यहाँ पर JP नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो पहुँचेंगे, अमित शाह गृह मंत्री वो पहुँचेंगे, उनके साथ और भी कार्यकर्ता और भी सांसदगण यहाँ पर पहुँचेंगे, और जो संयुक्त मोर्चे BJP की बैठक हो रही है कार्यकारिणी की, उसमें शिरकत करेंगे। उसके समापन में गृह मंत्री अपनी जो मंत्र है, जो पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे और लोगों तक पहुंचा जाए, कैसे विकास योजनाओं को पहुंचाया जाए, केंद्र हो या राज्य हो, किसी भी योजनाओं को कैसे पहुंचाया जाए, इन सब बातों को उनको बात रखेंगे। पार्टी आगे किस लाइन पर चलेगी, पार्टी का क्या एजेंडा होगा, इन सब बातों को कार्यकर्ताओं को बताएंगे। साथ ही कार्यकर्ता से सुझाव भी लेंगे कि क्या होना चाहिए। 2 दिन जो मंथन चली है BJP की पूरे संयुक्त मोर्चे की कार्यकारिणी में, उसका निचोड़ क्या निकलेगा, उस पर क्या गृह मंत्री कहते हैं या राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, इस पर सबकी नज़र होगी, और उसी के मुताबिक BJP आगे का प्लान बनाएगी। अभी लोग आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि आप धीरे धीरे जो है कुछ लोग जब अभी लंच का वक्त हुआ है तो निकल रहे हैं यहाँ पर, और फिर यहाँ अंदर में जो है वो बैठ के शुरू हो गई। अलग अलग मोर्चों की कैबिन बनाया गया है अंदर में, और अंदर के बाद अंदर में जो बातचीत होगी उसके बाद गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, यहाँ पर बातचीत करेंगे, लोगों को अपना स्पीच देंगे, और पार्टी क्या कह
पार्टी का क्या एजेंडा है, पार्टी क्या सोचती है। खास करके अभी जो नज़र है राजेश, वो बिहार में जो पहली बार संयुक्त मोर्चे की जो ये कार्यकारिणी की बैठक हुई है, इस पर हर पार्टी की नज़र है, चाहे विपक्ष हो, चाहे सहयोगी दल हो, जेडीयू हो, उसकी नज़र है कि आखिर बीजेपी क्या चाहती है। ये कुछ दिन को आपको इस बैठक के ख़त्म होने के बाद, कुछ दिन के बाद ये समझ में आएगी कि बिहार को लेकर के क्या बीजेपी का अगला मिशन है। लेकिन कहा जा रहा है कि 2024 2025 ये ज़रूर ध्यान में है, चूँकि बिहार एक बहुत बड़ा राज्य है, यूपी और बिहार, इसको जब केंद्र में सत्ता पाना होता है तो इन दो राज्यों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा मजबूती के साथ बीजेपी जो है इसको साधना चाहती है। इसीलिए ये काम यहाँ पर जो संयुक्त बैठक है संयुक्त मोर्चा की वो हो रही है। 2024 सबसे पहले मिशन होगा, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि बिना नीतीश कुमार, बिना जेडीयू आगे नहीं बढ़ सकती है बीजेपी। बीजेपी हालांकि कहा जा रहा है कि अपना जनाधार बढ़ाई है, लेकिन चेहरे की कमी जरूर बीजेपी के पास है, और इसका कहीं ना कहीं वो भी ये बात समझती है। तो इन सब बातों को लेकर के चर्चा होगी, क्या एजेंडा होगा, मुख्य रूप से 2024 का जो है वो एजेंडा यहाँ पर लिया जाएगा। और यहाँ से जो देश भर के जो लोग आए हैं 700 प्रतिनिधि, वो सब यहाँ से बात करके यहाँ जो उनको टास्क दिया जाएगा, यहाँ जो उनको काम दिया जाएगा, वो अपने क्षेत्रों में जा करके करेंगे, चाहे युवा मोर्चा हो, महिला मोर्चा हो, किसान मोर्चा हो, वाणिज्य प्रकोष्ठ मामला हो, हर मोर्चे के लोग यहाँ पर अपने अपने तरीके से काम करेंगे। और साथ ही जो जो प्रवास कार्यक्रम है बीजेपी का, हर प्रदेश में जनताओं के पास जाना, वो शायद बीजेपी उसको और आगे बढ़ाएगी, ताकि बीजेपी लोगों तक पहुंचना चाहती है। जो केंद्र ने इतनी योजनाएं लाई, जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो योजनाएं हैं वो कैसे लोगों तक पहुंचे, और जो लाभान्वित हुए हैं जो लोग, उनको कैसे जो है, कई चीजें हैं जो लोगों के दिमाग में हैं कि काफी इतना बड़ा कार्यक्रम बिहार में बीजेपी क्यों कर रही है। और बीजेपी नेताओं ने अपने संबोधन से ये साफ कर दिया है कि आखिर उनकी इच्छा क्या है, उनका मकसद क्या है। जिस तरीके का शानदार प्रदर्शन बीजेपी की तरफ से बिहार विधानसभा चुनाव में किया गया, जितनी सीटों पर चुनाव लड़े, लोकसभा चुनाव में जितनी सीटों पर लड़े, सभी सीटों पर उन्होंने जीत दर्ज की, उससे कमतर प्रदर्शन करना इस बार भी नहीं चाहते, और यही वजह है कि इतनी बड़ी तैयारी वो कर रहे हैं। रुपेन श्रीवास्तव भी हमारे साथ बने हुए हैं, रितेश मिश्रा भी हमारे साथ बने हुए हैं। रितेश का रुख करते हैं। रितेश, जाहिर सी बात है कि आप बता रहे थे कि उत्साह कार्यकर्ताओं में किस कदर नजर आ रहा है, तो जहां पर आप इस वक्त मौजूद हैं वहां क्या कार्यक्रम हो रहा है, और अगर हो सके तो कुछ लोगों से बात भी करिए। रितेश, सबसे बड़ी बात है कि हम मौजूद हैं जहां से गृह मंत्री अमित शाह निकलेंगे, और ताजा अपडेट दे दूं कि गृह मंत्री अमित शाह स्टेट हैंगर पहुंच चुके हैं। और देखिए एक बार दीनानाथ हो जाए दिखाएं कि किस तरीके से यहां पर जो कन्वॉय की जो पायलट गाड़ियां हैं वो तैयार हैं, और अब किसी भी क्षण यहां से निकलेंगे, और तिरंगा जहां भी देखेंगे बीजेपी कार्यकर्ता जो है तिरंगा लेकर उनके स्वागत के लिए यहां पर खड़े हुए हैं, और एक झलक पाने के लिए कार्यकर्ताओं में, क्योंकि सुबह से ही कार्यकर्ता जो है, कल से ही कार्यकर्ता जो है वो इंतजार में है कि कब केंद्रीय गृह मंत्री जो है वो पहुंचे और उनका वो दर्शन कर सके, उन्हें देख सके। और देखिए कि अब इसी रास्ते से किसी भी क्षण जो है गृह मंत्री अमित शाह निकलेंगे। बार बार जो बीजेपी के नेता है, जो कार्यकर्ता है, इसके अलावा जिला प्रशासन के लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि अनुशासन बना कर रखें, कोई भी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे ना आए, क्योंकि यहीं से काफिला निकलेगा, लिहाजा सभी लोगों से अनुशासन में रहने की अपील की जा रही है। और कार्यकर्ताओं में एक बार फिर से जोश जो है, देखिए कि कुछ यहाँ कार्यकर्ता है बीजेपी के, हम उनसे बात करेंगे। देखिए अमित शाह पहुंच गए हैं यहाँ पर, ये बताइए कि अब क्या कहेंगे, कितने देर से यहाँ पर आप इंतजार कर? हम लोग एक घंटा से खड़ा है यहाँ पे, और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को आज पूरे ही तिरंगा फहरा रहा है, और उनको स्वागत के लिए हम लोग पूरे जनता जनार्दन एवं कार्यकर्ता लोग में उत्साह है, भारी उत्साह है। आप भी यहाँ पर हैं, ये बताइए कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं, सुबह से भी आप भी डटे हुए हैं, क्या कहेंगे? हम लोग उनके स्वागत के लिए बस है यहाँ बिहार आए हैं, पटना में आए हैं, इस कार्यकारिणी के बैठक में बहुत बहुत स्वागत है उन सब कार्यकर्ता। देखिए कि बीजेपी से ही जुड़े हुए हैं, और साथ में ये सिंगर भी हैं,
इनसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि आप किस तरह से स्वागत कर रहे हैं अमित शाह जी का? कार्यकर्ता तो पूरा झंडा पोस्टर बैनर लेके खड़े हैं, आप भी कार्यकर्ता हैं, ये बताइए। हम अपने बिहार की तरफ से अपने यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी का स्वागत करने के लिए हम तैयार हैं। मैं गायक अमर आनंद, और आज मेरा भी सौभाग्य है कि अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री जी का मैं स्वागत करने आया हूँ। मैं उनके स्वागत में दो लाइन गाना चाहूंगा। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार राजेश। ये कार्यकर्ताओं का जोश है, और ये बीजेपी के ही कार्यकर्ता है, ये नेता है वरुण सिंह जी। ये बताइए कि आपकी क्या जिम्मेदारी है और आप किस तरह से स्वागत कर रहे हैं? चूंकि कला सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इस नाते हम सांस्कृतिक रूप से अपने गृह मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। आप देख रहे हैं करीब दो घंटे से कलाकार लोग इनका स्वागत में इस मंच पे अमर जी हैं, स्निग्धा हैं, और कई कई बच्ची जो है जो थाली सजा के रखी है क्योंकि धूप बहुत है तो पीछे बैठी हुई थी, अभी ये सब आके पूरा थाली सजा हुआ है, उनकी आरती हो गई और कुछ गृह मंत्री जी तो पहुंच गए हैं। जी पहुंच गए हैं, अब हम लोग सब तैयार हैं उनके स्वागत के लिए। और देखिए एक और मंच बना है, वहाँ भी गांव गवई स्टाइल में बहनों के लिए एक मंच बनाया गया, और आपको बीच में बहुत सारे मंच मिलेंगे जिसमें देखिए राजेश से किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, किसी भी स्तर का नेता हो कार्यकर्ता हो, सभी लोगों में जोश है, जुनून है, और सभी लोग जो हैं अब गृह मंत्री के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं कि कब गृह मंत्री इसी रास्ते से होकर निकले ताकि उनका दीदार कर सकें, उनकी झलक जो है कार्यकर्ता, क्योंकि देखिए किसी भी कार्यकर्ता की यही इच्छा होती है कि जो बड़ा नेता हो एक बार उसकी जो है उसके चेहरे पर। बिल्कुल रितेश, तो सभी कार्यकर्ताओं में वही इच्छा है, सभी कार्यकर्ताओं जी बिल्कुल। एक बार जरा रुपेंद्र से पूछ लेते हैं कि वहां पर फिलहाल कैसी हलचल है। रुपेंद्र क्या मिल रही है आवाज आपको? जी आपकी आवाज मुझे मिल रही है। और क्या पता चला, क्या पता चला वहां से? देखिए देखिए हलचल तेज हो गया है, और देखिए जो अधिकारी जो यहां पर खड़े थे वो तमाम अधिकारी जो है अब देखिए कहाँ चले गए हैं। इस गेट के अंदर अब देखिए कि तमाम अधिकारी चल गए हैं, क्योंकि आने का जो है अब संकेत मिल चुका है, और जो तमाम अधिकारी बिहार सरकार के थे, केंद्र सरकार के अधिकारी थे, अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे जो दिखाएं कि वो तमाम अधिकारी जो है अंदर में जो है पहुंच चुके हैं, और कुछ क्षण हो सकते हैं जी जब अमित शाह जो है वो आए बाहर निकले, लेकिन जो अधिकारी थे वो तमाम अधिकारी जैसा कि हम बता रहे हैं वो अब अंदर जा चुके हैं। तमाम जो लीडर बाहर घूम रहे थे वो तमाम जो लीडर बड़े लीडर हैं वो सारे लोग जो हैं वो स्टैंड हैंगर के तरफ जो है कूच कर गए हैं, वो स्टैंड हैंगर के तरफ जो चले गए हैं, और सबकी निगाहें देखिए कैमरा में हमारे दर्शक देख रहे होंगे कि सबकी निगाहें एक टक से जो है जिधर से अमित शाह आने वाले हैं उधर ही तमाम अधिकारियों की निगाहें जो हैं वो एक टक देख रही हैं। तो यह अभी तस्वीर है कि कुछ ही देर में जो है अमित शाह जो हैं अब पहुंचने वाले हैं, और जो भी अधिकारी थे ये तमाम अधिकारी अंदर चले गए हैं। देखिए महिलाएं जो हैं जैसा कि हम बता रहे हैं वो हाथ में जो है थाल लेकर जो है वो आरती के थाल जो हैं वो लेकर खड़ी हैं, जो पंडित जी हैं जो आए हुए हैं मंत्र उच्चारण करने के लिए वो तमाम लोग जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग जो हैं। तो कुछ ही क्षण जो अब रह गए हैं कि अमित शाह जो है बाहर आएंगे, और उसके बाद जो है उनका भव्य स्वागत जो है वो किया जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि पटना में अभी तक अमित शाह का इस तरह से एयरपोर्ट पर जो है स्वागत जो है वो नहीं किया गया है, पहला मौका है,
कि इस तरह का जो स्वागत जो है वो किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं, जब कुछ देर में ही अमित शाह जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और इसके बाद बाहर की बात करें, जैसे कि हमारे संवाददाता रितेश बता रहे थे वो बाहर में हैं, बाहर में जो है पूरे जोश खरोश के साथ जो है कार्यकर्ता जो हैं वो मौजूद हैं। एयरपोर्ट के अंदर ही 2 से 3 मंच बनाए गए हैं, उस पर सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हैं वो तमाम जो लोग हैं कलाकार हैं वो लोग जो हैं वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के प्रस्तुति कर रहे हैं, लोक नृत्य किया जा रहा है। और एक चीज़ और दिखा दें कि पटन देवी के जो मुख्य पुजारी जो हैं वह अब आ चुके हैं। इसका संकेत है कि अमित शाह जी कुछ देर में हैं वो बाहर आएंगे। और देखिए जो दाढ़ी वाले दिखाई दे रहे हैं वो पटन देवी के मुख्य पुजारी हैं और उनके साथ जो है 51 मैंने आपको बता दें कि 51 जो है वो जो पंडित जी की टीम जो है वो आई हुई है। तो ये तस्वीर है और देखिए किस तरह से हलचल जो है अंदर का बढ़ गई है, अंदर की हलचल काफ़ी बढ़ गई है और किसी भी क्षण जो है अमित शाह जो है वो आ सकते हैं। जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि जो हलचल जो है काफ़ी बढ़ गई है, तमाम अधिकारी जिनकी बाहर ड्यूटी है वो बाहर में जो है अब अपने ड्यूटी पे आ गए हैं। और किस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, किस तरह से जो है जिस तरह से ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए उसको लेकर जो है तमाम चीज़ें जो है देखी जा रही हैं। तो देखिए किस तरह से जो है अन्य जो बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े जो मंत्री हैं वो तमाम लोग यहाँ पर, लेकिन एक चीज़ और बताएंगे कि बीजेपी कल्चर की पार्टी है और बीजेपी के कुछ लोग जो हैं हम अब लाइव दिखा रहे हैं, यही बीजेपी के लोग हैं जो मीडिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, मीडिया को लगातार डिस्टर्ब किया जा रहा है, यही लोग बीजेपी के हैं जो लगातार मीडिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, ये बीजेपी के यही लोग हैं जो डिस्टर्ब लगातार कर रहे हैं और मीडिया को कवरेज से बीजेपी के लोग जो है वो रोकने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें आप लाइव देख रहे हैं कि बीजेपी जो कहती है। बिल्कुल रुपेंद्र, जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कुछ देरी है जब गृह मंत्री अमित शाह वहाँ पर बाहर आएंगे। रितेश का रुख करते हैं। रितेश, खबर एयरपोर्ट से ये है कि बस कुछ ही मिनटों में, वहाँ पर सारी तैयारी कर ली गई है, कुछ ही मिनटों में अमित शाह बाहर निकलेंगे। अब बिल्कुल सबसे बड़ी बात है कि अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं और किसी भी क्षण बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि जो अधिकारियों या जो बॉडी लैंग्वेज है जिस तरह से वो अलर्ट मोड में आ चुके हैं, चाहे बिहार पुलिस के जो अधिकारी हो या इसके अलावा CRPF और अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, तमाम लोगों ने मोर्चा संभाल लिया है। अलग अलग जगहों पर अगर आप देखेंगे तो फोर्स की जो प्रक्रिया है उन्हें डिप्लॉय किया गया है और सबसे जो पहली पायलट गाड़ी है उसके लाइट्स को भी ऑन कर दिया गया है। ये बताने के लिए काफी है, ये संकेत है कि अब गृह मंत्री जो है वो निकल सकते हैं, किसी भी क्षण निकलेंगे, क्योंकि उनका समय है, ज्ञान भवन में भी उन्हें जाना है और समापन समारोह को संबोधित करना है। और कार्यकर्ता उन्हें भी पता है, जैसे ही वो पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे, जो भी शीर्षस्थ नेता है उन्होंने बताया कि सुबह से ही जो कार्यकर्ता है वो इनके इंतजार में है, लिहाजा ज्यादा देर अब गृह मंत्री अमित शाह नहीं करेंगे। सभी सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है और यहाँ पर देखिए किस तरह से स्वागत गान, जो बीजेपी कला प्रकोष्ठ है यहाँ पर स्वागत गान किया जा रहा है और यहाँ पर जो बच्चियां हैं वो आरती की थाल लेकर यहाँ पर खड़ी है। और जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह का काफिला यहाँ से गुजरेगा, ये सारी जो बच्चियां हैं उन्हें आरती दिखाएंगी और यहाँ से फूलों की बारिश ऊपर की जाएगी। तो बड़ी ही मुकम्मल, बड़ी ही भव्य तैयारी। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक बड़ी अच्छी बात निकल कर कि कहा जाता है कि बीजेपी अनुशासित पार्टी है तो वो ऐसे ही नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिस तरह से हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो अनुशासन बीजेपी के कार्यकर्ता यहाँ पर दिखा रहे हैं, ये बाकी पार्टियों को भी सीखने की जरूरत है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में अगर कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उसके बावजूद भी अगर जो लोग एयरपोर्ट पर जो दैनिक यात्री हैं उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है, उनकी आवाजाही हो रही है, वो लैंड कर रहे हैं, अपने घर भी जा रहे हैं, तो ये सीखने की जरूरत है बाकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी। और देखिए कि अब किसी भी क्षण निकल सकते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, लिहाजा जो चहलकदमी है, जो फोर्स की बात करें वो अलर्ट पर आ चुकी है और हमारे जो सोर्सेज अलग अलग
सीमा के इलाकों में बैठे हैं उनका कहना है कि जिन जिन रास्तों से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरने वाले हैं वहां पर पूरे एरिया को बैरिकेड किया गया है, वहां पर एरिया को खाली करा दिया गया है ताकि किसी तरह की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। तो देखिए कि कार्यकर्ता जो है हाथ हिलाकर अभिवादन भी कर रहे हैं, इन्हें भी है कि चलिए आने वाले समय में ये भी नेता बनना चाहते हैं, ये भी चाहते हैं कि ये भी ऊंचे पदों पर जाएं। और बीजेपी में यही सबसे बड़ी बात है कि एक अदने से कार्यकर्ता को शीर्ष पर अगर कोई पार्टी पहुंचाती है तो वो बीजेपी है, और यही सारी जो चीज़ें हैं अब दूसरी पार्टियों में कहीं ना कहीं सुगबुगाहट होने लगी है कि अगर बीजेपी की ताकत लगातार बढ़ रही है तो वो कौन से फैक्टर है जिसकी वजह से बीजेपी लगातार ताकत बढ़ा रही है और वो कौन से कारण है। रितेश, और जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, तस्वीरें तमाम दिखा रहे हैं, और किसी भी वक्त अमित शाह जो दरवाजा हम दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से वहां से बाहर निकल सकते हैं। स्वागत की पूरी तैयारी की गई है, आरती का थाल लिए महिलाएं खड़ी हुई हैं, पटन देवी मंदिर के मुख्य पुजारी वहां पर खड़े हैं, अधिकारी खड़े हैं, लीडर खड़े हैं। अमित शाह किसी भी वक्त किसी भी मिनट वहां से बाहर निकल सकते हैं, और जैसे ही वो बाहर निकलेंगे सबसे पहली तस्वीर उनके पटना दौरे से जुड़ी हुई हर जानकारी सुबह से ही लगातार सबसे पहले हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। धीरज ठाकुर का रुख करते हैं जो ज्ञान भवन से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और तमाम वहां से अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। धीरज जी, खबर यह है कि किसी भी पल किसी भी मिनट अमित शाह बाहर निकल सकते हैं एयरपोर्ट से। धीरज जी, तो धीरज ठाकुर से बात करने की हम फिर से कोशिश करेंगे, लेकिन रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं, किसी भी मिनट बाहर निकल सकते हैं अमित शाह। रुपेंद्र जी, अभी आप बताएं कि अभी जो पटना के जिला अधिकारी हैं, पटना के सिटी एसपी, पटना के एसएसपी और पटना के एसडीएम, डीडीसी, तमाम लोग जो हैं वो अभी जो है अंदर प्रवेश किए हैं। और अभी देखिए सीआरपीएफ के तरफ से जो है जो उनके अधिकारी हैं उन्होंने निर्देश जारी कर दिया है, और सीआरपीएफ के जो बाहर जवान थे वह तमाम जवान जो देखिए अब अपने पोजीशन पर जो हैं खड़े हो रहे हैं। देखिए हम बता रहे हैं कि किसी भी क्षण आ जाएंगे, तो देखिए तमाम गतिविधियां जो हैं सामने दिखाई दे रही हैं कि जो तमाम महिलाएं जो खड़ी हैं आरती के थाल लेके, अब उनके पीछे आप देखेंगे साइड में देखेंगे सीआरपीएफ के जवान जो है अपना पोजीशन जो है लेकर जो है खड़े हो गए हैं। तो ये तस्वीर है, और आप देखिए कि अंदर की हम बार बार बता रहे हैं कि अंदर की हलचल जो है काफ़ी तेज़ होने लगी है, और देखिए लगातार अंदर की हलचल जो है तेज़ हो रही है। और एक बीजेपी का कल्चर है, बीजेपी का नियम यह है कि जब भी कोई बड़ा लीडर आते हैं तो उनके वेलकम के लिए, उनके सीओ के लिए जो है बीजेपी के नेता जो है जिनका नाम रहता है वो कतारबद्ध खड़े रहते हैं, और उनसे वो लीडर जो है आते हैं, मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो वो प्रक्रिया जो है अंदर में शुरू हो गई है, तमाम जो नेता हैं जिनका नाम है, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वे तमाम लोग जो है अंदर प्रवेश कर गए हैं, और कतारबद्ध जो है वो हाथों में गुलाब लिए जो है वो खड़े हैं। कई ऐसे सज्जन हैं जो मिथिला में प्रसिद्ध जो मखान का जो माला होता है वो माला लेकर जो है वो खड़े हैं। तो कई लोग जो हैं खास तस्वीरें जो हैं लेकर जो हैं पटना की तस्वीरें, बिहार की तस्वीरें, वो तमाम तस्वीरें लेकर जो हैं वो खड़े हुए हैं, और जब अमित शाह को ये सारे सौगात जो है वो देंगे। तो देखिए पहले अंदर में जो है अमित शाह जी हैं वो मिलेंगे लोगों से, अपने नेताओं से, सांसदों से जो बिहार से ताल्लुक़ रखते हैं उन सांसदों से मिलेंगे, साथ ही विधायकों से मिलेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, उसके बाद बाहर आएंगे। तो वो जो तस्वीर है अब सामने आ रही है, धीरे धीरे जो लोग हैं अंदर के तरफ जो है लाइन में जो है कतारबद्ध जो है सभी खड़े हो गए हैं। नित्यानंद राय केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, क्योंकि गृह मंत्री आए हैं, और नित्यानंद राय जो हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उन्होंने कमान अपने हाथों में रखा है, वो अंदर में हैं। साथ ही सांसदों की बात की जाए, लगभग सांसद जो हैं स्वागत में यहाँ पर हैं, तो कुछ सांसद जो है वो ज्ञान भवन में जो है जेपी नड्डा जी के साथ में हैं, विधायक मंत्री जो हैं तो विधायक में सम्राट चौधरी की बात, ये मंत्री में जो है सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, जनक राम, देवेश मिश्रा, ये तमाम मंत्री जो हैं वो यहाँ पर स्वागत में आए हुए हैं। दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद
दोनों लोग जो हैं वो तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो बस इंतज़ार है कि अमित शाह कब जो है बाहर निकलेंगे। पहले उन्हें 1:30 बजे आना था, फिर 2 बजे हुआ, फिर 2:30 बजे हुआ, लेकिन अमित शाह के आने में जो है देरी ज़रूर हो रही है। लेकिन अब देखिए तस्वीरें, जहाँ तक तस्वीरें जो हैं, अब हमें ये बताया जा रहा है कि थोड़ी देर के बाद जो है वो पहुँचने वाले हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं साफ तौर पर हमें जो है वो दिखाई दे रही हैं। और अभी जो है देखिए कि महिलाएं जो हैं वो खड़ी हैं और हलचलें जो हैं काफ़ी तेज हो गई हैं। जी बिल्कुल रुपेंद्र, और हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये दरवाज़ा खुले और अमित शाह का जो पूरा काफिला है वो निकलकर यहाँ से सामने आए। और इसीलिए हम लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, वहाँ पर अधिकारी जुटे हुए हैं, बिहार सरकार के मंत्री जुटे हुए हैं। और आपको बता दें कि पटन देवी मंदिर के पुजारी हैं, महिलाओं की एक पूरी टीम है जो आरती करेंगी वहाँ पर जब अमित शाह बाहर निकलेंगे। तो पूरी तैयारी है और इतना भव्य स्वागत अमित शाह का पटना में कभी नहीं हुआ है जितना आज हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी तैयारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश की तरफ से की गई। हालांकि ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है, संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चे का मंथन हो रहा है, एक साथ इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले से ही बिहार की धरती पर मौजूद हैं और अब गृहमंत्री उतर चुके हैं और कुछ ही मिनटों में वो वहां से बाहर निकलने वाले हैं। एक बार फिर से रितेश का रुख करेंगे। रितेश, हम लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि दरवाजा खुलेगा और अमित शाह वहां से आएंगे, लेकिन जब ये खबर वहां भी तो मिल रही होगी जहां पर आप खड़े हैं, क्योंकि लोग उनकी बाट जोह रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं और किस तरीके से गाकर गुनगुनाकर जयकारे लगाकर लोग स्वागत कर रहे हैं वो भी तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रितेश, अब बिल्कुल सही कहा, ये जानकारी यहाँ कार्यकर्ताओं को भी अनाउंस किया की गई है। यहाँ से जो कला मंच के जो संयोजक हैं उन्होंने बार बार अनाउंस किया है कि गृह मंत्री जी पहुँच चुके हैं, लिहाजा सभी कार्यकर्ताओं को अब संयमित रहने का, डिसिप्लिन में रहने का आदेश जारी किया गया है, ताकि एक अच्छी छवि, एक अच्छा मैसेज जाए कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बेहद अनुशासित हैं। और देखिए कि अलग अलग जगहों पर जो कमांडोज हैं, CRPF के फोर्सेज हैं, उन लोगों ने भी मोर्चा संभाल लिया। देखिए कि ये जो एक बार दीनानाथ होजा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ से गाड़ियाँ जा भी रही हैं और उधर से ही अमित शाह आने वाले हैं, लिहाजा यहाँ पर जाम सी स्थिति है। तो सुरक्षा जो बल हैं, पुलिस के जो जवान हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल स्थिति हो रही है कि कैसे जो है जाम को खाली कराया जाए। इसके अलावा अगर देखें तो देखिए कि पटना एयरपोर्ट पर जो यात्री आते हैं आज उन्हें बाहर ही उतरना पड़ रहा है, क्योंकि अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है कि अगर ये यात्री अगर अपनी गाड़ी से आएंगे तो फिर फंस जाएंगे, उनकी भी छूट सकती है। तो जहां भी देखेंगे यहां पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, देखिए कि किस तरह से चाहे पुरुष कार्यकर्ता हो, महिलाएं हो, ये थाल में फूल लेकर खड़ी हैं। ये बताइए कहां से आई हैं और आज गृह मंत्री का स्वागत कर रही हैं, क्या लग रहा है? शेखपुरा से आए हैं अमित शाह जी के स्वागत में। क्या कहिएगा? शेखपुरा से आया अमित शाह। देखिए कि महिलाएं हो, पुरुष हो, सभी लोग यहां पर बड़ी तादाद में झंडा, पोस्टर, बैनर, सभी जो चीजें हो सकती हैं जो बीजेपी कार्यकर्ता खूब एस्टेब्लिश करे कि हाँ ये बीजेपी के कट्टर समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता यहां पर खड़े हैं। और सुबह से ही ये सारे जो लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं और जो बीजेपी के ही जो कार्यकर्ता हैं वो भीड़ छुड़ाने में लगे हुए हैं, वो जाम छुड़ाने में लगे हुए हैं, पुलिस का सहयोग कर रहे हैं। यहाँ देखिए कि सामने किस तरीके से, क्योंकि सावन का महीना है और सावन में अगर देखा जाए तो बिहार के लोगों की बड़ी आस्था है और यहाँ पर कार्यकर्ता बार बार लोगों को संबोधित कर रहे हैं कि व्यवस्था सही रखिए, लेकिन उसके बावजूद भी जो कार्यकर्ता है वो मंचों पर आसीन है, मंच पर बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हुए हैं। अगर कोई बड़ा नेता है जिसमें सारे लोगों की आस्था है तो सभी लोग उसका एक झलक पाना चाहते हैं, और वहां पर चाहे आप लाख अनुशासन की बात कर ले, लाख ये कर ले, वहां पर इस तरह से ही चीजें देखने को मिली है। और यहां पर शिव चर्चा हो रहा है बिहार में। राजेश, आप जानते हैं कि शिव चर्चा का बड़ा ही महत्व है, जो महिलाएं हैं वो शिव चर्चा में शामिल होती हैं और भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था समर्पण जो है वो दिखाती है। तो एक एक कर यहाँ से पहले जो गाड़ियां यहाँ फंसी हुई हैं उन्हें बाहर निकाला जा रहा है, और जब ये सारी चीजें, ये रास्ता जब खाली हो जाएगा तो गृह मंत्री अमित शाह, सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो स्टेट हैंगर है
वहां से इधर वो कूच करेंगे और फिर एक एक कर कार्यकर्ताओं का अभिवादन भी स्वीकार करेंगे और हो सकता है कि 4-5 मिनट रुक कर वो यहां पर कार्यकर्ताओं से कुछ कहें, कुछ टिप्स दें। लेकिन जिस तरह से हुजूम है यहां पर कार्यकर्ताओं का, 3:30 का कार्यक्रम फिक्स किया गया है ज्ञान भवन में, नहीं लगता है कि वहां पर पहुंच पाएंगे। देखिए कि दूर दूर तक सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता ही दिखेंगे और जिस तरह से भीड़ यहां पर जुटी हुई है, जिस तरह से यहां पर भारी तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, बहुत ही मुश्किल है पुलिस के लिए, जो सुरक्षा बल हैं उनके लिए कि कैसे करके वहां से अमित शाह जी को बाहर लेके आया जाए। तो ये है पटना एयरपोर्ट की तस्वीर। चाहे कोई सांसद हो बिहार के, अगर बात करें तो तकरीबन 75 से ज़्यादा बीजेपी के विधायक हैं, सभी आज पहुंचे हुए हैं और उनके साथ कार्यकर्ताओं की लंबी फौज पहुंची हुई है। देखिए कि सिंघा बिहार में ये बहुत बसता है और ये है घोड़े, हाथी, ढोल, नगाड़ी, यानी तमाम जो चीज़ें एक लोकतांत्रिक पार्टी में होती है वो सारी चीज़ें दिख रही हैं। और ये कहा भी जाता है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी में सबों का अपना अधिकार होता है, सबों का अपना महत्व होता है। तो आज इस कार्यकारिणी की बैठक में यही सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं, जहां पर महिलाओं की भी सहभागिता है, युवाओं की सहभागिता है, SC ST तबके से लेकर अल्पसंख्यक समाज सभी लोगों की सहभागिता दिख रही है। यहाँ देखिए कि बीजेपी कार्यकर्ता और जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं थोड़े आपस में भिड़ गए हैं। कारण ये है कि बीजेपी कार्यकर्ता हटने को तैयार नहीं है और जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो सुरक्षा कारणों से उन्हें हटाने पर आमादा है। अब इस तरह की चीज़ें जो हैं वो देखी जाती हैं, लेकिन जहां भी आप देखेंगे इस तरह से दूर दूर तक सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के नेता ही आपको दिखेंगे जहां भी देखेंगे। ये पटना की ASP है काम्या मिश्रा, इन्होंने भी मोर्चा संभाल रखा है। तो रामकृपाल यादव जी के देखिए कि समर्थक यहाँ पर फूल लेकर खड़े हैं, इसके अलावा अलग अलग नेताओं के जो कार्यकर्ता हैं वो फूल लेकर, और सामने देखिए कि किस तरीके से अब क्योंकि कला मंच को पता चल चुका है कि गृह मंत्री जी का आगमन हो चुका है, तो देखिए कि किस तरीके से वहाँ पर आरती की थाल भी है, वहाँ पर फूलों की पंक्तियाँ भी हैं और यहाँ पर स्वागत की पूरी तैयारी है। और देखिए कि यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम भी चल रहा है और बीजेपी के महिला कार्यकर्ता हैं, ये बताइए कि कहाँ पे आई हैं और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? बहुत, हम लोग हाजीपुर विधानसभा से आए हैं और आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे गृह मंत्री आ रहे हैं अमित शाह जी, उनके स्वागत के लिए हम सब आए हैं। कितने देर से इंतजार कर रही हैं? 2-3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं उनका। देखिए कि कितने समय से ये लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन चेहरे पर वही उमंग, वही जोश, वही ऊर्जा दिख रही है, क्योंकि सबसे बड़े जो बीजेपी के, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कोई सबसे बड़ा चेहरा है वो गृह मंत्री अमित शाह हैं और उनके आगमन को लेकर पूरे पार्टी में एक अलग ऊर्जा, एक अलग उमंग, एक अलग जोश और जज्बा देखने को मिल रहा है। जी राजेश। बिल्कुल रितेश, जाहिर सी बात है कि वो लगातार हम उस तस्वीर की भी बात कर रहे हैं जहां से अमित शाह को निकलना है। रुपेंद्र का रुख करते हैं। रुपेंद्र, जाहिर सी बात है कि जब सबको खड़ा कर दिया गया है, दरवाजा बंद है, रास्ता बिल्कुल क्लियर है, तो हम क्या माने कब तक निकलेंगे अमित शाह? देखिए जैसा कि सूचना मिल रही है कि थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ी देर लंबी देर हो गई है और अब देखना यह है कि कब अमित शाह जो है आ रहे हैं। और जो है अभी तस्वीरें जहां तक जो है कि अभी बता दें कि जिस तरह से गतिविधियां जो हैं, क्योंकि गतिविधियां जो है काफ़ी तेज हैं, लगातार बार बार बता रहे हैं, लेकिन अब किस कारण से वो नहीं बाहर आए हैं ये बताना मुश्किल है, लेकिन जो गतिविधियां अंदर की जो है वो जो है तेज है। लेकिन एक और चीज़ें बताएं, गर्मी काफ़ी है और एक खबरों में अलग खबर भी हम दिखा दें कि अपने दर्शकों को, गर्मी काफ़ी है और देखिए बादल जो है काले बादल जो है जरूर जो है यहाँ पर छाए हुए हैं पटना एयरपोर्ट के पास, तो गर्मी से हो सकता है राहत मिले। तो देखिए अभी तस्वीर जो है साफ तौर पर कि जो अधिकारी जो हैं, तमाम अधिकारी, अब गतिविधियाँ और जो हैं तेज हो गई हैं, तमाम अधिकारी, देखिए गेट खोल दिए गए हैं, जो भी अधिकारी हैं वो फिर अंदर जा रहे हैं और कुछ ही क्षण बार ये जो क्षण है अब ये सूचना मिल रही है कि अमित शाह जी के
जो अब तस्वीरों में दिखाई देंगे कि अमित शाह का जो फ्लाइट है लैंड कर गया है। तस्वीरों में देखिए मंत्री जो है जो स्वागत के लिए जो है वो निकल चुके हैं। अपने कैमरा पर्सन से कहें कि वो तस्वीर दिखाएं कि जो तमाम मंत्री हैं देखिए किस तरह से एयरपोर्ट के अंदर जो है स्वागत के लिए खड़े हो गए हैं। ये तस्वीर है कि अमित शाह जो है पटना पहुंच चुके हैं और देखिए किस तरह से तमाम विधायक मंत्री ये तमाम लोग जो हैं किस तरह से जो है खड़े हैं। गतिविधियां जो हैं काफ़ी तेज हो गई हैं। तमाम लोग जो हैं अंदर जैसा कि हम बता रहे थे कि कुछ लोग कतार में थे पहले से ही खड़े थे लेकिन जो कुछ लोग हैं वो अब खड़े हुए हैं। और ये तस्वीर है खूबसूरत तस्वीर एयरपोर्ट के अंदर अमित शाह के स्वागत में तमाम विधायक फोटो जरूर ले लिए जो है वो खड़े हैं। तो ये तस्वीर है देखिए कि किस तरह से जो है सभी लोग जो है खड़े हैं और अमित शाह किसी भी क्षण जो है वो निकल सकते हैं और लगातार मशक्कत करने के बाद रुपेंद्र बिल्कुल आपके पास लौटूंगी। रितेश भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश एक बार फिर से हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को तस्वीरें दिखाइए क्योंकि आज की जो तस्वीर है वाकई वो कहा जा सकता है कि बेहद ही खास तस्वीर है क्योंकि अब कुछ ही देर बाद जो अमित शाह है वो निकलते हुए दिखाई देंगे यहाँ से। कार्यकर्ताओं में समर्थकों में भारी उत्साह। आप बिल्कुल अंजलि सही कहा आपने कि कार्यकर्ताओं में बड़ी उमंग है और इनके धैर्य को भी हम बिल्कुल मानेंगे क्योंकि देखिए मैं लगातार कवर कर रहा हूं और तकरीबन 9 बजे से इन कार्यकर्ताओं को मैं यहां पर देख रहा हूं क्योंकि मैंने था कि 1:15 बजे अमित शाह जी यहाँ पर लंच कर जाएंगे लिहाजा पहले ही कार्यकर्ता यहाँ पहुँच गए। लेकिन देखिए कि कार्यकर्ताओं की अग्नि परीक्षा तो मौसम ने ली थी। उस समय तकरीबन 40 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान था लेकिन अब तापमान में कमी आ गई है और देखिए कि लग रहा है कि बारिश भी होगी। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमित शाह आए हैं और बिहार में बारिश नहीं हो रही थी तो साथ में लगता है कि बारिश भी वो लेकर चले आए हैं। चलिए इस पर तो राजनीतिक दल जो है वो प्रतिक्रिया ऐसी बातें बोलते हैं लेकिन जिस तरह से माहौल है जिस तरह से मौसम है बिल्कुल कहा जा सकता है कि पटना में देखिए ये क्या खूबसूरत नज़ारा। ये ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं और शिव चर्चा गांव में अगर आप अंजलि जाएंगी बिहार के गांव में तो वहां पर शिव चर्चा का बहुत ही महत्व है। वहां पर महिलाएं मंदिर में बैठती हैं और भगवान शिव की चर्चा करती हैं। धर्म कर्म नेम निष्ठा इन सारी चीजों में महिलाएं रहती हैं। लिहाजा देखिए कि भगवान शिव की प्रतिमा है पोस्टर है माँ पार्वती विराजित है इसके अलावा भगवान गणेश है कार्तिकीय भगवान है और यहाँ पर जो एक गाँव में माहौल होता है एक छोटे से मंदिर के अंदर वही माहौल यहाँ पर उकेरने की कोशिश बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की है। इसके अलावा गाँव में भगत होते हैं भगत क्या नाच जो एक नृत्य की एक कला हो। बिल्कुल रितेश आपके पास भी लौटेंगे तो उत्साह भरपूर है और मिशन बिहार कहा जा सकता है कि 2025 की यहाँ पर तैयारी और यही वजह है कि आज बिहार की तस्वीरें थोड़ी अलग नजर आ रही है और साथ ही पार्टी को मजबूत करने के लिए कहा जा सकता है सीधे तौर पर रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए विचार विमर्श और मंथन करने के लिए दरअसल महामंथन इसे हम कहेंगे जिसकी वजह से अमित शाह भी वहां पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में सियासत का आज सुपर संडे है कहा जा सकता है। लोकगीत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं महिलाएं हो समर्थक हो कार्यकर्ता हो सभी वहां पर इंतजार कर रहे हैं कि कब अमित शाह जो है वो बाहर निकलेंगे और देख सकते हैं आप तस्वीरों में भी कि जो पुष्प वर्षा है वो अमित शाह पर की जाएगी। आप देखिए किस तरीके की तैयारी की गई है किस तरीके से सजाया गया है। वहीं रुपेंद्र भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रुपेंद्र क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल आप देख पा रहे हैं कितना इंतजार और कार्यकर्ता और समर्थकों के बीच बने रहे हैं और तस्वीरें हम पल पल की दिखा रहे हैं। किसी भी क्षण किसी भी समय जो है वो अमित शाह जो है वो बाहर जो है वो निकल सकते हैं। ये तस्वीर जो है हम जो है साफ तौर पर जो है दिखा रहे हैं। हमें भी जो है कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है इस तस्वीर को दिखाने के लिए और उन कठिनाइयों का सामना करते हुए हम जो हैं अपने दर्शकों को जो है
ये तस्वीर जो है दिखा रहे हैं पटना में, इससे पहले बात करें तो कभी भी इस तरह का अमित शाह का भव्य स्वागत एयरपोर्ट के अंदर नहीं हुआ था। बाहर में अमित शाह का काफ़ी स्वागत हुआ था, लेकिन एयरपोर्ट के अंदर है इस तरह के स्वागत जो है नहीं किए गए थे। और ये तस्वीरें जो हैं हम आपको दिखा रहे हैं कि किसी भी क्षण जो है अमित शाह जो है निकल सकते हैं, ये तस्वीरें और तमाम लोग जो है मौजूद हैं। फिर दिखा अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि दिखाएं कि अंदर की गतिविधियों को, कैमरे को जूम करके दिखाएं कि अंदर की गतिविधियां कैसे हैं। तो देखिए कतारबद्ध जो लोग हैं अंदर में खड़े हैं देश के गृह मंत्री अमित शाह के इंतजार में, उनसे अंदर में जो वीआईपी जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, ये तमाम लोग जो हैं वो खड़े हैं। और वो तमाम लोग देखिए प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, प्रायोजक अग्रसेन गर्भपाल चूर्ण, प्रजनन चूर्ण हिट पाउडर, बस एक ही खुराक काफी है, पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी, हर बूंद में शुद्धता, अग्रसेन पशु रक्षा पाउडर गर्भाधान के लिए अब नए स्ट्रॉन्ग फॉर्मूले के साथ, भारत का नंबर वन स्टील अलमीरा सवेरा अलमीरा, मजबूत भी सुरक्षित भी, 30 वर्षों से आपका भरोसेमंद जीवन साथी सवेरा अलमीरा, और IIL का आधुनिक कीटनाशक लीथल गोल्ड, भरोसा वही तकनीक नई। इस घड़ी की बड़ी खबर, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन, नड्डा के कार्यकर्ताओं को किया है संबोधित, जीत कर दिया है मंत्र। पटना पहुंचे अमित शाह का, कार्यकर्ताओं ने किया है भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों और शंख की ध्वनि से गूंजा पूरा शहर, महिलाओं में भी दिखा खासा जोश। केशकांत को लेकर एक्शन में कांग्रेस, तीनों विधायकों को किया निलंबित, पुलिस ने भी 3 विधायकों समेत 5 को किया गिरफ्तार, वेस्ट बंगाल CID को सौंपी जांच। ISIS मॉड्यूल की तबाही के लिए 6 राज्यों की 13 जगह पर NIA की छापेमारी, देवबंद मदरसे के एक छात्र को हिरासत में लिया, आतंकी संगठन के लिए ट्रांसलेटर का काम करता था फारूक। बार्क रेटिंग में जीबीहार झारखंड का जलवा कायम, 61.3% रेटिंग के साथ लगातार नंबर 1, अपार प्यार के लिए दर्शकों का धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर, प्रायोजक सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की, कामधेनु नेक्स्ट डबल रिम TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अ ट्रूली वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन, ई होम्स पेनोरमा ग्रुप पूर्णिया, सपनों का आशियाना, जो सोचता है वो करता है, और SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एडमिशन ओपन इन पैरामेडिकल नर्सिंग एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बिहार की सियासत में बिहार मिशन को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि बीजेपी की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक आज दूसरा दिन भी है और साथ ही अमित शाह भी वहां पर पहुंच चुके हैं। क्या कुछ भव्य तैयारी है लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता रुपेंद्र भी लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे चलते हैं रुपेंद्र के पास। रुपेंद्र, फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें दिखाई दे रही है, कितना इंतजार और करना होगा, अमित शाह बाहर निकलने वाले हैं, भव्य तस्वीरें। हाँ भाई जी, अमित शाह पहुंच गए,
लगातार हमारे संवाददाता बने हुए, लेकिन हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अमित शाह यहाँ पर पहुंच चुके हैं, तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। तस्वीरें आप देखिए, भव्य स्वागत यहाँ पर अमित शाह का किया जा रहा है पटना एयरपोर्ट से। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तमाम नेता यहाँ पर मौजूद है, बीजेपी के तमाम मंत्री यहाँ पर मौजूद है और तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और यहाँ पर आप देखिए पटना एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हैं। यहाँ पर डिप्टी सीएम आप देख सकते हैं तारकिशोर प्रसाद यहाँ पर पूरी तैयारी का जायजा ले रहे हैं कि अब बस कुछ ही क्षण बाद अमित शाह यहाँ से बाहर निकलते हुए, आप देखिए यहाँ पर जो पुष्प है उसको बिछाया गया है और साथ ही यहाँ पर जैसे ही वो बाहर निकलेंगे पुष्प वर्षा उन पर की जाएगी। और लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें पटना एयरपोर्ट से है। और रुपेंद्र भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेंद्र जी, देखिए कि किस तरह से जो है, जैसे कि हम बता रहे थे कि बीजेपी का कल्चर है कि कतारबद्ध जो है नेता जो है, मंत्री जो है, विधायक है, वो खड़े रहते हैं और उनका जो है स्वागत जो है, जो भी वीआईपी आते हैं उनका स्वागत वो करते हैं। देखिए अमित शाह सभी लोगों से मिल रहे हैं, तस्वीरें देखिए, अमित शाह जो है तमाम विधायक मंत्री जिनके लिस्ट में नाम है उनसे जो है मिल रहे हैं। हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि अमित शाह किस तरह जो है लोगों से मिल रहे हैं और तमाम मंत्री विधायक जो हैं उनसे वो मिल रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि अमित शाह धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और वो मंत्री लोगों से जो हैं वो मुलाकात करते हुए, विधायक लोग जो हैं उनसे मुलाकात करते हुए, तो देखिए अमित शाह की जो झलक है हम आपको दिखा रहे हैं। और अब अमित शाह धीरे धीरे जो है मिलने के बाद आगे की तरफ जो है वो बढ़ेंगे। और देखिए कि किस तरह से जो महिलाएं जो हैं वो खड़ी हैं स्वागत में, जो 51 हम बात कर रहे थे, जो 51 जो है ब्राह्मण जो हैं, जो पंडित जी हैं, वो जो है मंत्र उच्चारण करना शुरू कर चुके हैं और हाथ में जो आरती की थाल लिए हुए जो महिलाएं हैं बीजेपी के, वो तमाम महिलाएं जो हैं खड़ी हैं। ये देखिए तस्वीरों में किस तरह से जो है वो खड़ी हैं और तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह की देखिए कि व्यवस्था की गई है। और अमित शाह जो है अब सभी लोगों से मिलने के बाद जो है सामने दिखाई देंगे, आते हुए जो है वो दिखाई देंगे कि अपने नेताओं से, अपने कार्यकर्ताओं से जो है अमित शाह जो है वो मिल रहे हैं। और अब देखिए कि गोपाल नारायण सिंह, बबलू जी जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, शाहनवाज हुसैन, ये तमाम लोग जो मिल चुके हैं, विवेक ठाकुर जो सांसद हैं, ऋतुराज जो हैं जो महामंत्री हैं बीजेपी के, ये तमाम लोग हमें तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। ये लोग देखिए कि तमाम ये लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं और सभी से अमित शाह मिल लिए हैं। अब अंदर विशिष्ट अतिथि कक्ष जो है उसमें जो है अमित शाह गए हुए हैं, क्योंकि उसमें भीखू भाई दिलसानिया, नागेंद्र जी जो संगठन के मंत्री हैं वो मौजूद हैं वहाँ पर, और उनसे जो है कुछ बातें जो हैं अमित शाह जो है कर रहे हैं। तस्वीरों में देखिए कि गिरिराज सिंह जो हैं वो पहुँचे हुए हैं और वो दूसरी साइड में खड़े हैं। जो मंत्री नहीं मिल पाए हैं, जो सांसद अमित शाह से अंदर में नहीं मिल पाए हैं, वो स्वागत में जो थाल सजाए गए हैं, जहाँ पंडित जी जो हैं मौजूद हैं वहाँ पर वो लोग जो हैं मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि रामकृपाल यादव हों या पटना की मेयर सीता साहू हों, ये तमाम लोग जो हैं दिखाई दे रहे हैं। देखिए हाँ, अमित शाह की तस्वीर आप देख सकते हैं, धीरे धीरे अमित शाह एक्सक्लूसिव तस्वीर जी मीडिया पर, जी बिहार पर हमारे दर्शक देख रहे हैं कि अमित शाह की एक्सक्लूसिव तस्वीर। संजय जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं, दोनों डिप्टी सीएम रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद, तमाम लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और देखिए अमित शाह की ये तस्वीर है कि किस तरह से अमित शाह जो हैं वो आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ये तस्वीर है देखिए अमित शाह की, और कार्यकर्ताओं से देखिए किस तरह से हाथ हिला के अभिवादन कर रहे अमित शाह, ये तस्वीर है।
अमित शाह की देखिए किस तरह से अमित शाह जो है अभिवादन कर रहे हैं, क्योंकि आगे बढ़ रहे थे, उनको नित्यानंद राय जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री है उनको रोके कि आगे जो है नहीं जाना। आप देखिए अमित शाह को तस्वीरों में देखिए कि हम अमित शाह को तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से अमित शाह जो है अब अपने बुलेट प्रूफ जो उनको गाड़ी जो उनकी है बैठ चुके हैं, सिक्योरिटी की गाड़ियां जो हैं वो आगे की तरफ जो हैं बढ़ रही हैं, तमाम जो पंडित जी जो हैं ब्राह्मण हैं वो तमाम लोग जो है अमित शाह को देखिए घेरे हुए हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं और ये सब पटन देवी से आए हुए हैं। गिरिराज सिंह भी मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, तस्वीरों में देखिए कि वो भी जो हैं मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। और अमित शाह की ये तस्वीर देखिए कि अमित शाह का काफिला जो है धीरे धीरे जो है आगे की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है। तो ये तस्वीर है आपको हम दिखा रहे हैं कि अमित शाह जो है पटना एयरपोर्ट से जो है वो निकल चुके हैं और उनका जो है भव्य स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से अमित शाह का जो है भव्य स्वागत किया जा रहा है, फूलों से उनका स्वागत किया जा रहा है, अमित शाह का स्वागत किया जा रहा है। हम अपने कैमरा पर्सन कहेंगे राजेश से वो दिखाए कि किस तरह से उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। आप दिखाएं कि अमित शाह का जो स्वागत सब पटना एयरपोर्ट के जो सड़कों पर है किस तरह से किया जा रहा है। देखिए तमाम जो लोग हैं वो खड़े हैं, तमाम जो कार्यकर्ता हैं फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए फूलों की वर्षा की जा रही है। ये तस्वीर है अमित शाह के स्वागत की तस्वीर है कि किस तरह से पूरा एयरपोर्ट का एरिया भाजपा और हमारे देश के राष्ट्रीय झंडे जो है तिरंगे से जो है पटा हुआ है। तमाम जो लोग हैं वो अमित शाह का जो है स्वागत जो है वो कर रहे हैं। हर फिर हम दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि देखिए कि किस तरह से जो है शिव चर्चा करने वाली जो महिलाएं हैं वो अमित शाह के गाड़ी पर फूलों की वर्षा कर रही हैं। और देखिए किस तरह से जो है अमित शाह का काफिला जो है धीरे 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 जो है आगे की तरफ जो है बढ़ता जा रहा है। हमारे दर्शक देख सकते हैं कि तिरंगा झंडा बीजेपी का झंडा जो है तमाम झंडे जो है वो सामने जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और अब जो है अमित शाह थोड़ी ही देर में जो है एयरपोर्ट का जो एरिया है उससे बाहर निकलेंगे। देखिए कि धीरे धीरे जो है उनका काफिला जो है वो बाहर की तरफ जो है निकलता जा रहा है। और देखिए तमाम जो गाड़ियाँ हैं जो बीजेपी की है, फिर भी आई पी जो गाड़ियाँ जो हैं अधिकारियों की जो गाड़ियाँ सिर्फ और सिर्फ जी बिहार झारखंड पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कि कार्यकर्ताओं में इतना ज्यादा जोश और जुनून है कि बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ चुके हैं। देखिए कि गृह मंत्री अमित शाह का जो काफिला है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है और यहाँ पर किस तरीके से कार्यकर्ता जो है वो उतारू है एक दर्शन पाने का। और फिर पीछे पीछे देखिए कि किस तरीके से सिर्फ बीजेपी के झंडे पोस्टर बैनर ही दिखेंगे। ये स्थिति है। देखिए कि अमित शाह भी जो स्वागत बिहार के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका किया है उससे वो भी बेहद अभिभूत हैं। तमाम सुरक्षा एजेंसियां जो हैं और पुलिस और प्रशासन के लोगों के लिए भी काफ़ी मुश्किल कि कार्यकर्ताओं की फौज इतनी ज़्यादा है कि कैसे इन्हें रोका जाए। देखिए कि कार्यकर्ता लगातार यहाँ से अब पैदल दौड़ते हुए ये कार्यकर्ता जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं कि मिशन बिहार पर अमित शाह है और उनका देखिए किस तरीके से स्वागत यहां पर किया जा रहा है। बाहर निकल चुके हैं एयरपोर्ट से, समर्थकों में कार्यकर्ताओं में काफी ज्यादा उत्साह है जिसकी वानगी हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। फिलहाल यहां पर फूल भेंट करके
के गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत किया जा रहा है। महिलाएं कार्यकर्ता है, समर्थक है, वो भी यहाँ पर मौजूद है। तमाम नेता मंत्री यहाँ पर मौजूद है और अमित शाह का भव्य स्वागत यहाँ पर हो रहा है। सियासत का सुपर संडे इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बीजेपी अपने मिशन पर निकल चुकी है और उसकी तस्वीर आप बिहार में देख सकते हैं और यही वजह कि शाह और नड्डा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन अमित शाह का फिलहाल यहाँ पर जो जोरदार स्वागत जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और आपको ये भी बता दें कि कुछ वक्त बाद तमाम कार्यकर्ता और समर्थकों से मिलते हुए नजर आएंगे। बैठकों का सिलसिला भी शुरू होगा, बैठकों का दौर भी शुरू होगा, आखिरी दिन है आज। और साथ ही तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें हैं। तो बीजेपी यहां पर मजबूती के साथ, रणनीति के साथ बिहार में लगातार सियासत का सुपर संडे दिखाती हुई नजर आएगी क्योंकि पार्टी को और भी ज्यादा मजबूत करना है और यही वजह है कि अमित शाह खुद यहां पर पहुंचे हैं, यहां पर उनका स्वागत किया जा रहा है। तो लाइव तस्वीरें देखिए, आप सभी अपने अपने तरीके से यहां पर अमित शाह का स्वागत कर रहे हैं, कोई गुलदस्ता दे रहा है, कोई फूल भेंट कर रहा है और यहाँ तमाम कार्यकर्ताओं से, तमाम समर्थकों से, तमाम मंत्री और नेताओं से अमित शाह मिलते हुए नजर आ रहे हैं और एक एक करके सभी यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं। पटना एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल एयरपोर्ट से बाहर अमित शाह निकल चुके हैं, शॉल भेंट करके यहाँ पर स्वागत किया गया अमित शाह का। तो गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे जहां पर उनका जोरदार स्वागत एयरपोर्ट पर, तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। बिहार में बीजेपी को और भी ज्यादा मजबूत करना है और यही वजह है कि जीत का जो मंत्र है वो अमित शाह देते हुए नजर आएंगे। और देखिए आप यहां पर एक तस्वीर भेंट की जा रही है अमित शाह को, ये मधुबनी पेंटिंग की ये तस्वीर है जिसे अमित शाह को भेंट किया गया है। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल तमाम कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अमित शाह यहां पर मुलाकात कर रहे हैं, पटना एयरपोर्ट से बाहर निकल चुके हैं। भारी भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है समर्थकों कार्यकर्ताओं की, सभी में काफी ज्यादा उत्साह है, सभी चाहते हैं कि अमित शाह की एक झलक देखें। और तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, गाड़ी पर सवार होते हुए अमित शाह, उनका काफिला विज्ञान भवन की ओर रवाना हो रहा है। आप देखिए यहां पर ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी का झंडा और यहां पर जोरदार स्वागत अमित शाह का। तो लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 2024 और 25 की तैयारी कहा जा सकता है इसे, अभी से ही बीजेपी को, पार्टी को किस रणनीति के साथ आगे लेके जाना है, किस मजबूती के साथ आगे लेके जाना है और यही वजह है कि यहां अमित शाह पहुंचे हुए हैं। ज्ञान भवन से हमारे साथ धीरज ठाकुर भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धीरज, वहां पर किस तरीके की तैयारी, किस तरीके की हलचल, चुकी काफिला गृह मंत्री अमित शाह का निकल चुका है पटना एयरपोर्ट से। बिल्कुल, उनका काफिला एयरपोर्ट से निकल चुका है और ज्ञान भवन में आप देखिए कि यहां सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से यहाँ पुख्ता है, मौजूद हैं। यहाँ जितने सुरक्षा कर्मी हैं वो आ चुके हैं और गृह मंत्री चूँकि आ रहे हैं तो सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर हैं। जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी प्रदेश से लोग आए हुए हैं वो अंदर बैठ के चल रही है और वहाँ पर अमित शाह जो है वो बैठा वहाँ पर शिरकत करेंगे, समापन समारोह करेंगे। ये संयुक्त मोर्चा का कार्यकारिणी जो बीजेपी का है उसका समापन वो करेंगे और वहाँ पर अपनी बातों को रखेंगे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाएंगे, जो आगे का एजेंडा है, किस तरह से काम करना है, किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है, इस पर काम किया जाएगा और इस पर काम करेंगे और इसको लेकर के बातचीत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो भी अपनी बात रखेंगे, हालांकि उन्होंने कल भी बात रखी है। उन्होंने ज़रूर कहा कि बीजेपी की जो विकास की योजनाएं हैं, नरेंद्र मोदी की जो काम है उनको तक जनता तक पहुंचाना है और जनता जो है वो सारी जो योजनाएं हैं उस पर फोकस करना है और आगे मिशन 2024 इसका मकसद यह है कि जितने भी कार्यकर्ता हैं अपने अपने
यहाँ से जो एजेंडा तय होगा, जो पार्टी के रूपरेखा तय होगी, उसके आगे ले जाना है और वो बात को लेकर के सब अपने अपने प्रदेश में जाएंगे, वहाँ पर बैठ के करेंगे। बिहार में भी होगी और यहाँ भी सारी बातें जो है यहाँ भी हो रही है। कई नेता भी यहाँ पर पहुँचे हैं। डिप्टी देव मेरे सामने देखे, डिप्टी सीएम रेणु देवी यहाँ पहुँच चुकी हैं, यहाँ पर आ चुकी हैं। इसके अलावा मंगल पांडे हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता चूँकि अमित शाह आ रहे हैं और यहाँ पर ये लोग कार्यकारिणी में भाग लेंगे। तो आप नेताओं का सिलसिला या वरिष्ठ नेताओं का सिलसिला जो है वो आना यहाँ पर शुरू हो गया है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से पुख्ता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो यहाँ पर मेरे सामने जो बापू सभागार है वहाँ पर मौजूद हैं। सिक्किम के राज्यपाल गंगा प्रसाद की जो पुस्तक है उसको लोकार्पण के मौके पर वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ के कार्यक्रम लगभग 5 बजे के आसपास ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद पार्टी कार्यालय में कार्यालय जो बीजेपी के बिहार की पार्टी कार्यालय है वहाँ पर वो लोग जाएंगे, वहाँ पर जाएंगे। और ये देखिए यहाँ पर भी रविशंकर प्रसाद यहाँ पर आ गए हैं और धीरे धीरे जो नेताओं का आने का सिलसिला है वो यहाँ पर शुरू हो गया। और सबसे पहले सब लोग जो हैं वो बापू सभागार की ओर जा रहे हैं। बापू सभागार में जो पुस्तक का लोकार्पण है वो हो चुका है, वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और साथ ही यहाँ पर जितने प्रदेश से मोर्चा पदाधिकारी आए हुए हैं बीजेपी के वो यहाँ पर मौजूद हैं और सब अब सबका इंतज़ार गृह मंत्री अमित शाह का है जो अभी एयरपोर्ट से चलकर सीधा मौर्या होटल जाएंगे और मौर्या के बाद वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे और साथ में जेपी नड्डा। तो ये कार्यक्रम आज का है और अभी का कार्यक्रम इसी तरह से आगे बढ़ेगी बीजेपी का। जी बिल्कुल, और धीरज ये कहा जा सकता है जिस धार की जरूरत यहाँ पर बीजेपी को थी, पार्टी को थी, उसी मंत्र को लेकर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं और आज के बाद से बीजेपी की जो मजबूती की जो रणनीति की तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं बदलती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, बीजेपी देखिए जब से चुनाव शुरू होता है, आप एक बात ध्यान होगा, जैसे ही रिजल्ट निकलता है किसी, जैसे यूपी चुनाव का रिजल्ट आया तो दूसरे राज्य के चुनाव में ये लोग लग जाते हैं, तो उनकी सबका काम यहाँ बटा होता है, सारे मोर्चों का काम बटा होता है, सबके पास कुछ ना कुछ। ऐसे महान अनुभूति के जीवन से जुड़कर जब हम देखते हैं तो मैं ही लाखों कार्यकर्ताओं में गंगा बाबू को प्रेरणा मिली और गंगा बाबू के जीवन से सबसे प्रेरणा लेने के हम सबको पाना है। सरल अनुभव, श्रद्धा का केंद्र, सरलता के साथ विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना हम लोगों ने सीखा है तो गंगा बाबू। और जब मैं ये चर्चा करता हूं तो सिर्फ चर्चा करने के लिए नहीं करता, आज इतनी बड़ी चर्चा में इतने समाज के विभिन्न वर्गों से लोग हम आए हैं, यह अपने आप में गंगा बाबू के चरित्र और उनके व्यक्तित्व को बयान करता है, उसके बारे में चर्चा करता है और चरित्रता है। और एक बार बाबू मैं कहूंगा कि गंगा बाबा का संबंध संपन्न संपन्न परिवार समृद्ध परिवार था और समृद्ध परिवार संपन्न परिवार वो विचारधारा से जुड़े हैं, ये बहुत कम देखा गया है और उन्होंने ऐसी विचारधारा से जुड़े जिसकी उस समय प्रतिष्ठा था, यानी कितनी देर से आज तक बहुत लोग आ जाएंगे बीजेपी में संघ में बाकी संगठनों के साथ आज, क्योंकि हम अलग तक लोगों को दिखता है कि यह विचारधारा कैसे हो, लोगों को लगता है कि देश का पर्याय
विचारधारा है कि यही विचारधारा है, नहीं होता है। लेकिन विपरीत परिस्थिति में अपने आप को जोड़ कर रखना, उस विचारधारा को संजो कर रखना, उस विचारधारा को संभाल कर रखना और उस विचारधारा के अग्रज बन करके रहना, ये सीखना हो तो गंगा बाबा से पहला होता है। ये मैं जरूर आप सब लोग यहाँ बैठे, मैं भी 40 साल से विचारधारा से उठता हुआ काम करता आया है। आप सब लोग चुनाव लड़ते हैं तो वो चुनाव के नतीजों की बात कहते हैं, मैंने 60% वोट दिया और बहुत को वोट का मैंने 50% दिया, मैंने 55% दिया। जब गंगा बाबा जैसे शख्सियत चुनाव लड़ती थी तो उस समय जीतने के लिए नहीं लड़ते थे, जमानत बचाने के लिए लड़ती थी और जनता के नियम को स्थापित करने के लिए लड़ती थी। इस बात का भी याद आ रहा है। अभी मैं एमएलसी की बात कर रहा हूं, आज तो किसी के दरवाजे पर पुलिस आ जाए तो समाज में हम देख देते हैं, हमें तो मालूम नहीं है सबसे कौन है, अपने आप को दूर कर लेते हैं। लेकिन इमरजेंसी के दौरान गंगा जी का घर हमारे भवन वो इमरजेंसी की गतिविधि का केंद्र था और उस समय किसी को निमंत्रित करना, बैठक कराना, इसका मतलब अपने आप को मुसीबत का आमंत्रण देना। ऐसे वक्त पर चाहे आदरणीय मोदी जी हो, चाहे सौरव जी हो, चाहे नानाजी देशमुख को, चाहे हमारे रज्जू भैया हो, चाहे रितेश माथुर हो, कोई भी ऐसा नेता था जो ऑटोनॉम व्यक्ति से इमरजेंसी में जुड़ा हुआ था, उनके रहने का, उनकी बैठक करने का वो सारी व्यवस्थाएं और कोई नहीं देखता था, बिहार में गंगा बाबू ही देखते थे। ये सच देखे थे और आज मैं सिर्फ गंगा बाबू की चर्चा करूं, अभी भी मैं न्याय नहीं कर, जब तक मैं आदरणीय कमला जी की चर्चा कर, इमरजेंसी के दौरान महीनों 20-30 व्यक्तियों को भोजन बनाना, बाहर हड़ताल ना लगे इसकी चिंता करना, घर का राशन भी आए थे वो भी चुपके से आए ताकि ये भी ना पता चले कि कोई विशेष व्यवस्था इस घर के अंदर हो रही है, और सबको भोजन कराने के लिए किसी नौकर का भी इसका उपयोग न करता, खुद हाथ से बना रहा और 20-25 व्यक्तियों की बैठक एक नहीं 3-3 दिन तक एमरजेंसी में कराना, ये काम किया गया कमला जी ने किया है, वो गंगा जी के पीछे खड़ी रही है। ये और हम सब जानते हैं कि किसी भी सफल व्यक्ति के पीछे कोई ना कोई महिला धार्मिक होती है और गंगा जी की जिंदगी में कमला जी का विशेष योगदान है और विशेष स्थान है। आज जब हम ये अविरल गंगा के विमोचन कर रहे हैं तो मैं आप सबसे एक बात का निवेदन जरूर करूंगा कि राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते और राजनीतिक प्राणी के नाते इस किताब को आप अवश्य पढ़िए, इसकी गहराई में उतरिए, इससे प्रेरणा लीजिए। आज आपको सब कुछ हरा हरा दिखता है लेकिन इस हरे 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 बनाने के लिए किन किन लोगों ने पार्टी के नीव के रूप में काम किया है उसको यह याद रखना जरूरी है और वो है गंगा बाबू के लिए। मैं अपना सौभाग्य मानता हूं मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला, मैं सौभाग्य से मानता हूं कि आप जानिए ना 18 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति 18 साल 19 साल इमरजेंसी के कॉलेज में पहुंचने में चुटके चुटके रेल स्टेशन के लिए साथ आज करके कभी कोई कागज पहुंचाना, कोई पैम्फलेट पहुंचाना, कोई कॉलेज में उसको बांटना, ऐसे में जिसको काम करने का मौका यहां अपना में मिला हो और वह उस समय भी
गंगा का मूर्ति विपरीत परिस्थितियों में काम आने वाले गंगा जी से प्रेरणा ले रहा हो तो यह मैं सौभाग्य ही मानता हूँ, जिस कारण से वो संस्कार मुझे भी आशा रहे हैं, इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगा। इसलिए मेरे को आपके बीच में आप सब लोग बड़े बड़े दे रहे हैं, शामिल हुए हैं। मुझे मालूम है कि एक कार्यक्रम में लंबी देर तक बैठना कितना कठिन कार्य होता है, लेकिन आपने इस काम को किया है। हम सब लोग गंगा जी को याद भी करते हैं, उनसे प्रेरणा भी लेते हैं और उनके प्रेरणा लेने के साथ साथ विचारधारा को मजबूत करने के लिए जो उन्होंने कार्य किया है उसको हम सब लोग अपने जीवन में उतारेंगे और उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, ऐसी ही कामना करता हूँ। इन्हीं शब्दों को साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, आपका सही है, आपका सहयोग लगातार भारतीय जनता पार्टी के संसदीय सदस्य मंत्री जी माननीय नगेश जी, माननीय प्रांत के सदस्य मंत्री माननीय मंत्री भाई में वही उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बार 2000 तारीख से इस सम्मेलन का सभा में हर हर राज्य के बीच सरकार सभा सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सभी का हार्दिक अभिवादन स्वागत है। इसके संसाधन की दृष्टि से राकेश कश्मीर जी इस प्रकार मौजा जी ने बड़ा अभूतपूर्व काम किया है। हम आग्रह कर रहे हैं कि हम लोगों ने प्रायोजक आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन, नड्डा ने कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, जीत का ज्ञापन। पटना पहुंचे अमित शाह का कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों और शंख की ध्वनि से गूंजा पूरा शहर, महिलाओं में भी दिखा खासा उत्साह। कैश कांड को लेकर एक्शन में कांग्रेस, तीनों विधायकों को किया गया निलंबित, पुलिस ने भी तीन विधायकों समेत पांच को किया गिरफ्तार, वेस्ट बंगाल सीआईडी को सौंपी जांच। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा लगाने की अपील की, कहा 13 से 15 अगस्त तक हर घर और सोशल मीडिया पर फहराए तिरंगा, लोगों को आपस में जोड़ता है तिरंगा। बार्क रेटिंग में जी बिहार झारखंड का जलवा कायम, 61.3% रेटिंग के साथ लगातार नंबर वन, अपार प्यार के लिए दर्शकों का धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता टफकॉन XT, अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। प्रायोजक कामधेनु नेक्स्ट डबल रिम TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील और एमिटी यूनिवर्सिटी झारखंड, अ रिसर्च एंड इनोवेशन ड्रिवन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपके साथ आहनापुंज। और बीजेपी की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है और इसी को लेकर हमारे संवाददाता ज्ञान भवन से लाइव जुड़े हमारे साथ धीरज ठाकुर, सीधा आपको लेकर चलते हैं वहां पर। जी धीरज, देखिए यहां पर
तैयार जो आने का इंतज़ार हो रहा है गृह मंत्री अमित शाह का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का, दोनों का इंतज़ार हो रहा है और यहां पर नेताओं का सिलसिला जो है वो आने का शुरू हो गया है। जितने बिहार सरकार के मंत्री हैं वो यहां पर लगभग पहुंच चुके हैं और जो पदाधिकारी हैं वो भी यहां पर पहुँच रहे हैं। और मेरे आप देखिए कि मैं आपको नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि सब इंतज़ार में है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम है, सारे पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर मनोजीत सिंह ढिल्लो एसएसपी जो पटना के हैं, वो डीएम चंद्रशेखर सब मौजूद हैं यहाँ पर, चूँकि गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, इसको लेकर के सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आप चारों तरफ आप नज़र अगर डालेंगे तो आपको सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता नज़र आएगी। और साथ में जो अधिकारी हैं यहाँ, जो बीजेपी के प्रदेश पदाधिकारी या अन्य प्रदेश से जो पदाधिकारी यहाँ हैं इस कार्यकारिणी में बैठक में शामिल होने के लिए, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और अंदर बैठक चल रही है। कुछ देर बाद जब मौर्य होटल पहुँचने के बाद अमित शाह वहाँ से यहाँ आएंगे और उसके बाद जो है यहाँ का यहाँ पर अपना जो भाषण है वो देंगे कार्यकर्ताओं को, जो यहाँ पर मौजूद है उनको, और जो प्रदेश के पदाधिकारी बाकी प्रदेशों से आए हैं उनको सबको एक मैसेज देंगे। पार्टी का एजेंडा क्या होगा, पार्टी कैसे आगे चलेगी, इन सब को लेकर के जो है वो एक नया मूल मंत्र क्या होगा आगे बढ़ने का 2024 का वो है। और साथ में हर घर तिरंगा जो है, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आगमन की बात में कही है, उसको लेकर के भी एक रूपरेखा यहाँ पर तैयार होगी। और बीजेपी एक नया कार्यक्रम जो है वो कैसे, हर घर तिरंगा का कार्यक्रम कैसे सफल हो, उसके बारे में भी विचार विमर्श यहाँ पर होगा और ये सब बातें रखी जाएगी। तो ये सब पूरा कार्यक्रम है, पार्टी की मजबूती, पार्टी कैसे संगठन कैसे आगे बढ़े वो, बिहार 2024 और 2025 और साथ में बाकी प्रदेश में जो यहां से मैसेज, और क्या बीजेपी का अगला का मूल मंत्र है, क्या केंद्रीय नेतृत्व सोच रही है और किस तरह से आगे काम करना, इन सब बातों पर आज उनका भाषण होगा और उसी के मूल मंत्र को लेकर के पार्टी आगे बढ़ेगी, ऐसा यहाँ पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सब। हालांकि ये बीजेपी हर 3 महीने 4 महीने पर इस तरह के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठकें करती है अलग अलग प्रदेशों में, ताकि जो योजनाएं, अब जो टास्क दिया गया होता है वो पूरा हुआ कि नहीं और जो नया टास्क मिला उसको कैसे करना है, इन सब बारों में भी बातचीत होती है। जी जी धीरज, क्योंकि 2019 के आम चुनावों के बाद अमित शाह अब 2022 में वहां पर आ रहे हैं, हालांकि कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें वहां पर आपको देखने को भी मिल रही होगी, लेकिन किसी अधिकारी से, क्योंकि वहां पर जो सिक्योरिटी के इंतजाम आप बहुत सख्त बता रहे हैं, अधिकारी से आपकी बातचीत हो पाई है? जी अधिकारी, चूँकि ये गृह मंत्री का प्रोग्राम है अभी हमारे साथ, तो जहाँ पर मैं मौजूद हूँ उससे आगे मुझे जाने की इजाज़त है नहीं, और उधर जितने भी अधिकारी हैं वो मौजूद हैं, सारे सीनियर्स अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं और सुरक्षा व्यवस्था का जायज़ा ले रहे हैं, तो वो लोग किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हो, सुरक्षा में कोई कमी नहीं हो, इस सब का जायज़ा ले रहे हैं। और इसी तरह से जो है ये यहाँ पर पूरा का पूरा व्यवस्था किया गया है, और जो भी आने जाने वाले होते हैं उनको चेक किया जाता है, उनको पूरी तलाशी ली जाती है, उसके बाद अंदर जाने दिया जाता है। तो ये सब सारी बातें यहाँ पर हो रही है, और साथ में सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो एक बीजेपी का जो राजनीतिक प्रस्ताव तय होगी उसी के साथ आगे बढ़ना है बीजेपी को, ये सब सारी बातें जो है यहाँ पर होगी और उसी को लेकर के यहाँ पर कार्यकारिणी की जो बैठक है, संयुक्त मोर्चे की कार्यकारिणी की बैठक वो यहाँ पर हुई। और बिहार के प्रदेश बीजेपी ने इस तरह इस कार्यक्रम को कितना सफल बनाया है वो भी इन लोगों को कहा जाएगा कि किस तरह से अच्छा किया है बिहार बीजेपी के प्रदेश नेताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया है। और इसके बाद जब यहाँ पर मीटिंग ख़त्म हो जाएगी तो बिहार बीजेपी के कार्यालय में जेपी नड्डा और गृह मंत्री जाएंगे और वहाँ पर सांसदों से, विधायकों से और बिहार के जो मंत्रीगण हैं उनसे बातचीत होगी, और जो अगला एजेंडा है बिहार को लेकर के वो, और किस तरह से
पार्टी को आगे ले जाना है, मजबूत करना है, ये सब बातें वहाँ पर होगी। और शाम को फिर मौर्य होटल में कुछ प्रदेश के पदाधिकारी जो हैं उनके साथ भी बैठक जेपी नड्डा करेंगे। तो ये पूरा रात के 10 बजे तक का ये कार्यक्रम करीब करीब तय है और इसी को लेकर के दोनों बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, जिनको कहा जाता है कि जेपी नड्डा और अमित शाह, वो बिहार के दौरे पर इन पूरे आज पूरे देश का रूपरेखा आगे आने वाले में क्या होगी इसकी तय करेंगे। शुक्रिया धीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें बताने के लिए कि वहाँ पर सिक्योरिटी की कितने खासा इंतजाम किए गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं में और नेताओं में, मंत्रियों में, सभी में खासा उत्साह तो देखने को मिल ही रहा है। तो आपको बता दें कि पटना में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नवनिर्मित कई जिला कार्यालयों का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। इस मौके पर उन्होंने जहाँ पार्टी की तारीफ की वहीं पर विपक्ष पर निशाना भी साधा। सुनिए। हमारा ये मानना है कि विचार के आधार पर हम आज नहीं तो कल इन प्रदेशों में भी कमल खिलाएंगे। लेकिन लड़ाई किससे है हमारी? इतना बड़ा उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 287 सीट पर चुनाव लड़ा और 280 सीट में जमानत जब्त हो गई सुपला साहब, और हमसे लड़ कौन रहा? समाजवादी पार्टी, परिवार की पार्टी है। यहां भी हम किससे लड़ रहे हैं? आरजेडी परिवार की पार्टी है। कार्यालय का उपयोग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए करना चाहिए, तैयारी करने के लिए करना चाहिए। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग बिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे, रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। 215 कार्यालय बंद करके तैयार हो गए हैं और 512 कार्यालयों पर काम चल पड़ा। कुछ कार्यालयों के लिए जमीन की रजिस्ट्री रह गई, और आज मुझे यहां बिहार में आकर के 16 कार्यालयों का, पिछली बार में आया था तो शायद 10 कार्यालयों का, 11 कार्यालयों का मैंने उद्घाटन किया था, आज मैं 16 कार्यालयों का उद्घाटन कर रहा हूं और 7 कार्यालयों का शिलान्यास कर। ये बहुत ही हम सबके लिए संतोष का विषय है कि जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं उस पार्टी को सुसज्जित करते हुए, कार्यालय का उपयोग करते हुए पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए हम कैसे काम में जुटे। और यहां कहीं छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं।
प्रायोजक आपके पीसी में कौन रहता है, वायरस या क्विक हील? स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो बीजेपी की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में शामिल होने के लिए गृह मंत्री अमित शाह पटना भी पहुंच चुके और वहां पे एयरपोर्ट पर अमित शाह का भव्य स्वागत किया गया। उन्हें एयरपोर्ट पर मतलब रास्ते में जो है फूल बिछा दिए गए। इस मौके पर जो कार्यकर्ता थे, नेता थे, जो भी मंत्री थे मौके पर मौजूद रहे, उनको सम्मान दिया गया, फूल भी भेंट किए गए, बुके भेंट किया गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञान भवन से धीरज ठाकुर जुड़ चुके हैं। धीरज, कहाँ तक आगे ये बड़ा जो भी कार्यक्रम है, अब जो अमित शाह है ज्ञान भवन तक आप कह रहे थे पहुंचने वाले हैं, कितना समय लगेगा वहां पर पहुंचने में अभी? जी धीरज, देखिए अभी अभी कुछ देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर सांसद जो है बीजेपी के, उनका पहुँचने का सिलसिला जारी है और कुछ ही देर बाद यहाँ पर अमित शाह पहुँचेंगे, चूँकि उनको मौर्या होटल जाना है। उसके बाद जैसे ही यहाँ पर वक्त होगा, आप धीरे धीरे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो गाड़ियाँ लगी हुई थी या जो भी सांसद या मंत्रीगण वो आ रहे हैं, उनकी गाड़ियों को हटाया जा रहा है। यहाँ ट्रैफिक पुलिस मुस्तैद है, यहाँ पर बाकी जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले SSP और DM आए थे जायजा लेने के लिए, वो जायजा लिए थे और उसके बाद यहाँ पर इंतज़ार, आप ऊपर देखिए सामने कि यहाँ पर इंतज़ार के लिए जो है गृह मंत्री के स्वागत के लिए लोग यहाँ पर खड़े हैं। और मंत्री जो भी है बिहार सरकार के या वरिष्ठ नेता हैं या सांसद हैं, उनका आने का सिलसिला शुरू है। तो कुछ ही देर के बाद जो है अब यहाँ पर अमित शाह वो आएंगे। और चूंकि यहाँ पर जहाँ पर मैं मौजूद हैं, यहाँ पर जैसे ही उतरते हैं मंत्री, सांसद या बीजेपी के, तो सीधा उनका डायरेक्ट अंदर जो है वो ज्ञान भवन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, चूंकि इसलिए उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। मैंने कोशिश भी की लेकिन वो लोग पहले कार्यकारिणी की बैठक में जाते हैं और उसके बाद ही कुछ बोलने के लिए वो लोग इजाज़त है उन लोगों को बोलने के लिए, तो इसलिए वो लोग अभी नहीं यहाँ पर कुछ बयान देने के लिए तैयार होते हैं, चूँकि सबका अब इंतज़ार हो रहा है कि कैसे गृह मंत्री यहाँ पर मौजूद आएंगे और वो क्या बोलते हैं, क्या सलाह मशविरा करते हैं, क्या निर्देश देते हैं, उसी पर पार्टी आगे बढ़ेगी और उसी उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। धीरज, अगर छोटा सा आपसे अपडेट ले लें कि अमित शाह जब यहाँ पर आएंगे तो वो कार्यक्रम कितने बजे से लेकर कितने बजे तक यहाँ पर चलेगा और उसके बाद किस हिसाब से, अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए कि वो कार्यक्रम, क्योंकि आपने बताया कि रात को 10 बजे तक चलेगा, लेकिन जो स्केड्यूल है अगर आप दोबारा से एक छोटा सा अपडेट दे पाए। देखिए यहाँ पर वक्त तो 3:30 बजे का पहुँचने का था, लेकिन चूंकि स्वागत और इतनी भीड़ रास्ते में थी इसीलिए थोड़ा सा वक्त लग रहा है और अभी कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो समापन का वक्त रखा गया था वो लगभग 5 बजे का था और 5 बजे यहाँ ख़त्म हो जाने के बाद ये दोनों लोग जो हैं अमित शाह और JP नड्डा वो पार्टी ऑफिस जाएंगे और वहाँ पर जैसा मैंने पहले भी बताया था कि सांसद और विधायक और जितने भी मंत्रीगण हैं बिहार सरकार के, उनसे फीडबैक लेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, आगे के एजेंडे पर बातचीत होगी और उसके बाद फिर दोनों लोग मौर्या होटल आएंगे और वहाँ पर जो प्रदेश पदाधिकारी हैं बीजेपी के बिहार के, वहाँ पर उनसे बातचीत होगी। और 9:30 बजे तक तो मीटिंग रखी गई है, उसके बाद अभी तक का उसके बाद का प्रोग्राम अभी नहीं आया है कि आगे क्या होगा, तो ये सब प्रोग्राम अभी तय है और इस तरह से कार्यक्रम अभी चल रहा है और उसी कार्यक्रम के तहत यहाँ भी ज्ञान भवन में सबका उनका इंतज़ार हो रहा है कि अमित शाह गृह मंत्री वो यहाँ पर आएँ और उन्हीं का इंतज़ार में सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। बिल्कुल धीरज, क्योंकि आप वहाँ पर मौजूद हैं, वहाँ पर आप आने जाने वालों को भी देख पा रहे हो, क्या आप ये बता पाएंगे कि अभी तक वहाँ पर जो बिहार से कौन कौन से मंत्री, कौन कौन से नेता अभी वहाँ पर ज्ञान भवन पर पहुँच चुके हैं? देखिए यहाँ पर दोनों डिप्टी CM तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी
वो पहुंच चुके हैं, शाहनवाज हुसैन पहुंच चुके हैं, राम सूरत राय पहुंच चुके हैं, मंगल पांडे पहुंच चुके हैं, सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं जो पंचायती राज मंत्री हैं, और भी कई मंत्री सांसद अजय निषाद पहुंच चुके हैं, रामकृपाल यादव पहुंच चुके हैं, और इसके क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र जी हैं वो पहुँच चुके हैं, तो ये और कुछ जो सांसद हैं और कुछ मंत्री हैं वो गृह मंत्री के साथ भी होंगे, तो वो लोग भी यहाँ पर आएंगे, और साथ ही जितने भी दूसरे प्रदेश से प्रदेश पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो इस तरह से कार्यक्रम में और धीरे धीरे अब बाकी नेताओं के आने जाने का सिलसिला भी जारी है। बिल्कुल धीरज, क्योंकि आपको भी पता है और ये सबको पता ही है कि 2024 कहीं ना कहीं ये टारगेट रहा है और आने वाले 2025 भी कहीं ना कहीं इस बैठक में टारगेट को लेकर चला जाएगा। जैसे कि जेपी नड्डा ने भी कार्यक्रम से हटकर बात कर रहे हैं, जेपी नड्डा ने भी कहा कि आने वाले समय में सिर्फ बीजेपी ही एक पार्टी बचेगी, बाकी सब पार्टियां जो है वो नष्ट हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से अभी जो मौजूदा सरकार है कहीं ना कहीं गठबंधन में चल रही है, क्या ये देखा जाए तो निशाना है जेडीयू पे कार्यक्रम से हटकर? देखिए बिल्कुल, चूंकि ये कार्यक्रम जो होता है उस पर राजनीतिक चर्चा भी होती है, और क्या हर प्रदेश का क्या स्थिति है, क्या समीकरण है, उसको लेकर के भी चर्चा होती है, उसके बाद ही रूपरेखा बनती है। लेकिन बीजेपी का एक ज़रूर ये मंत्र दिया जा रहा है और जो भी प्रदेश पदाधिकारी हैं उनको कहा जा रहा है कि हर जब लो बूथ स्तर तक या पन्ना प्रमुख तक ये कम से कम हो कि हर लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही पार्टी रहे और वो बीजेपी रहे, और इस मंत्र पर काम करें, जब लोग बूथ तक जाएं तो उनके दिमाग में कोई दूसरा पार्टी का नाम नहीं आए, सिर्फ बीजेपी का ही नाम आए। ये बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पदाधिकारियों को ये समझा रही है, और उसी के तहत आपने जो कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो बयान दिया है वो इसी की ओर इंगित करता है कि मैंने पहले भी बताया था कि जो कार्यक्रम है, जो बीजेपी की एक सूचना तंत्र जो है, एक मुखबिर तंत्र जो है वो बीजेपी डेवलप कर रही है, उसका काम होगा कि लोगों के पास जाना, उनको बीजेपी की योजनाओं को बताना और लोगों के दिमाग में डालना कि सिर्फ बीजेपी ही पार्टी, मतलब बीजेपी, ये इस पर काम कर रही है बीजेपी। और साथ ही इसको लेकर ये भी अपने कार्यकर्ताओं को ये कह रही है कि लोगों के सुख दुख में आप साथ रहिए, उनके ज़रूरतों को समझिए, उनके उनसे जो फीडबैक है उनको लीजिए, जो योजनाएँ सरकार की चल रही है, केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की, उस योजनाओं को लेकर के लोगों के मन में क्या है वो लेना, वो लोगों से समझिए, और अगर कुछ कमी है, अगर लोगों की कोई डिमांड है तो उसको पार्टी के स्तर तक पहुंचाएं। तो ये सब सारा काम और उसी के तहत आगे जो है ये सब काम हो रहा है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी को आगे बढ़ रही है, और जहां तक बिहार की बात है, बिहार को लेकर के भी अभी एनडीए की सरकार है, आप किसी से भी पूछेंगे तो ये ज़रूर कहा जाएगा कि एनडीए में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह की कोई सरकार चल रही है, अच्छी तरीके से सरकार चला रहे हैं नीतीश कुमार, और नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में आगे बढ़ेगी सरकार। कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी आए थे, उन्होंने कहा था कि 2025 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चलेगी, तो ये सब बातें हो रही है। हालांकि बयानबाजी जब आते हैं बीच में बीजेपी के तरफ से भी और जेडीयू के तरफ से भी, तब कहीं ना कहीं शंका लोगों को होती है, कहीं ना कहीं ये बातें उठती है कि कहीं दोनों के बीच कोई खटपट या कोई खींचतान तो नहीं है। लेकिन अभी तक जो शीर्ष नेतृत्व है उस बारे में अभी तक इस तरह के बयान नहीं आए हैं। बहुत सारे मुद्दे हों, चाहे अग्निवीर के मुद्दे हों या 370 के मुद्दे हों, ट्रिपल तलाक हों, या बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर बीजेपी और जेडीयू के विचार अलग अलग हैं। धीरज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, और खैर आपसे दोबारा बातचीत करते रहेंगे और दोबारा आपसे अपडेट भी लेते रहेंगे आगे क्या क्या कार्यक्रम किस हिसाब से आगे बढ़ रहा है और अमित शाह जी वहां पर पहुंच चुके हैं कि नहीं। लेकिन आपको बता दें कि बैठक में शामिल होने के लिए अमित शाह जो है वो पटना पहुंच भी चुके थे, एयरपोर्ट भी पहुंचे थे, वहां पर भव्य स्वागत किया गया, कई लोग, कई कार्यकर्ता, मंत्री वहां पर मौजूद रहे। आपको यह भी बता दें कि रास्ते में जो फूलों के हिसाब से बारिश कर दी गई, फूल इस हिसाब से कार्यकर्ताओं ने और सब मंत्रियों ने इस हिसाब से डाले कि उनका भव्य स्वागत किया गया वहां पे। आपको यह भी बता दें कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है शनिवार को ही पटना भी पहुंच गए थे।
प्रस्तुतकर्ता डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा, प्रायोजक अग्रसेन गर्भपाल चूर्ण, प्रजनन चूर्ण हिट पाउडर, बस एक ही खुराक काफी है, पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी, हर बूंद में शुद्धता, अग्रसेन पशु रक्षा पाउडर, गर्भाधान के लिए अब नए स्ट्रॉन्ग फॉर्मूले के साथ। भारत का नंबर वन स्टील अलमीरा सवेरा अलमीरा, मजबूत भी सुरक्षित भी, 30 वर्षों से आपका भरोसेमंद जीवन साथी सवेरा अलमीरा। और IIL का आधुनिक कीटनाशक लीथल गोल्ड, भरोसा वही तकनीक नई। इस घड़ी की बड़ी खबर, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा और आखिरी दिन, नड्डा के कार्यकर्ताओं को नड्डा ने किया संबोधित, जीत का दिया मंत्र। पटना पहुंचे अमित शाह का, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों और शंख की ध्वनि से गूंजा पूरा शहर, महिलाओं में भी दिखा खासा जोश। IS मॉड्यूल की तबाही के लिए 6 राज्यों की 13 जगहों पर NIA की छापेमारी, देवबंद मदरसे के एक छात्र को हिरासत में लिया गया, आतंकी संगठन के लिए ट्रांसलेटर का काम करता था फारूक। बार रेटिंग में जी बिहार, झारखंड का जलवा कायम, 61.3% रेटिंग के साथ लगातार नंबर वन, अपार प्यार के लिए दर्शकों का धन्यवाद। प्रस्तुतकर्ता घड़ी डिटर्जेंट, भारत का नंबर वन डिटर्जेंट पाउडर, प्रायोजक सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की, कामधेनु नेक्स्ट डबल रिम TMT बार, नेक्स्ट जनरेशन इंटरलॉक स्टील, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, अ ट्रूली वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूशन, ई होम्स, पेनोरमा ग्रुप पूर्णिया, सपनों का आशियाना, जो सोचता है वो करता है, और SK मंडल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, एडमिशन ओपन इन पैरामेडिकल, नर्सिंग एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार, और सुबह से ही लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी का जो बड़ा कार्यक्रम पटना में है, बिहार की धरती पर है, सभी राष्ट्रीय मोर्चों की संयुक्त बैठक होने वाली है और इसको लेकर जो तमाम तरह की तैयारी की गई है और अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में, बीजेपी के नेताओं में जो जोश नजर आ रहा है, उसकी सारी कवरेज, स्पेशल कवरेज, हर खबर, हर ब्रेकिंग, उससे जुड़ी हुई तमाम तस्वीरें जी बिहार झारखंड सबसे पहले आप तक पहुंचा रहा है। हमारे तमाम संवाददाता मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं। बीजेपी की संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है। बैठक में शामिल होने के लिए गृहमंत्री अमित शाह पटना पहुंच चुके हैं। पटना एयरपोर्ट पर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक का आज दूसरा दिन है और आज की बैठक में अमित शाह का संबोधन होना है। ज्ञान भवन में आयोजित इस बैठक में पार्टी के 700 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पटना में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा से नवनिर्मित कई जिला कार्यालयों का उद्घाटन और उन्होंने शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने जहां पार्टी की तारीफ की तो वहीं विपक्ष पर निशाना भी साधा। हमारा ये मानना है कि विचार के आधार पर हम आज नहीं तो कल इन प्रदेशों में भी कमल खिलाएंगे। लेकिन लड़ाई किससे है हमारी? इतना बड़ा उत्तर प्रदेश 24 करोड़ का प्रदेश है, 24 करोड़ की आबादी का प्रदेश है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 287 सीट पर चुनाव लड़ा और 280 सीट में जमानत जब्त हो गई शुक्ला साहब, और हमसे लड़ कौन रहा है? समाजवादी पार्टी, परिवार की पार्टी है। यहां भी हम किससे लड़ रहे हैं? RJD परिवार की पार्टी है।
कार्यालय का उपयोग स्ट्रैटेजी बनाने के लिए करना चाहिए, तैयारी करने के लिए करना चाहिए। हम एक ऐसी पार्टी है जो आइडियोलॉजिकल बेस्ड है, वैचारिक पृष्ठभूमि पर हम खड़े हैं। मैं बार बार लोगों को बोलता हूं, देखो अगर ये विचार नहीं होता ना तो हम इतनी बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकते थे, और सब लोग बिट गए, समाप्त हो गए, और जो नहीं हुए वो हो जाएंगे, रहेगा तो फिर बीजेपी रहेगी। 215 कार्यालय बंद करके तैयार हो गए हैं और 512 कार्यालयों पर काम चल पड़ा। कुछ कार्यालयों के लिए जमीन की रजिस्ट्री रह गई, और आज मुझे यहां बिहार में आकर के 16 कार्यालयों का, पिछली बार में आया था तो शायद 10 कार्यालयों का, 11 कार्यालयों का मैंने उद्घाटन किया था, आज मैं 16 कार्यालयों का उद्घाटन कर रहा हूं और 7 कार्यालयों का शिलान्यास कर। ये बहुत ही हम सबके लिए संतोष का विषय है कि जिस पार्टी में हम काम कर रहे हैं उस पार्टी को सुसज्जित करते हुए, कार्यालय का उपयोग करते हुए पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने के लिए हम कैसे काम में जुटे। बीजेपी के आज के कार्यक्रम को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से बात की हमारे संवाददाता रूपेंद्र श्रीवास्तव ने। उन्होंने क्या कुछ कहा बीजेपी के इस बड़े कार्यक्रम को लेकर, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी हैं। गिरिराज सिंह जी, 2 दिवसीय कार्यक्रम है, आज दूसरा दिन है, अमित शाह जी आ रहे हैं, जेपी नड्डा जी हैं, तमाम कार्यक्रम है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं जाना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनावी राजनीति करता है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राजनीति करता, जब हम दो थे तब भी इसी ढंग से काम कर रहे हैं, अगर 300 से ऊपर देश में है तब भी इसी तरह से काम करते हैं। हमारा काम करने का तरीका है चेरेबती चेरेबती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से अगर आप बात करेंगे तो आपको महसूस होगा, कहेगा कि अरे भाई इतना काम हर दिन आया रहता, यानी संगठन प्रतिदिन चुनावी अभियान नहीं चलाता बल्कि राष्ट्र का अभियान चलाता। हम चुनाव के लिए नहीं काम करते, हम राष्ट्रीय अभियान के साथ चुनाव। दो की बात आपने कही, लेकिन 200 सीटों पर तैयारी है। ललन सिंह ने कहा कि 200 क्यों, 243 पर तैयारी करें, तो ऐसे बयान आना। देखिए, किसी के बयान पर मेरी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। हम 243 पर भी संगठन का काम पीछे किया, 40 लोकसभा में भी हम करते हैं। बिहार में 243 विधानसभा है, 40 लोकसभा है। भारतीय जनता पार्टी सारे पर काम करता है। जब भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगा तभी NDA मजबूत होगा, यानी कि नीतीश कुमार बीजेपी मजबूत होगा तब मजबूत होंगे। ये अगर हम कुछ भी ताकत देंगे तो हमारी ताकत NDA को आएगा, और NDA की ताकत भारतीय जनता पार्टी को। तो ये थे गिरिराज सिंह, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी जो है वो जो काम करती है पूरे NDA के लिए तैयारी करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से JDU और BJP के मामले को लेकर मामला ने तुल पकड़ा है, उसको लेकर साफ तौर पर गिरिराज सिंह ने कहा है कि हमारी तैयारी है 243 सीटों पर, और 243 सीट जो है उसमें सहयोगी भी शामिल है। अब देखना यह है कि किस तरह से इन चीज़ों को जो है अब JDU जो है लेती है। लेकिन एक चीज़ उन्होंने साफ तौर पर कहा, जिस तरह से JDU के लीडरों से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष JDU के हैं ललन सिंह, उनसे मुलाकात के बारे में हमने कहा पूछा, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मुलाकात हो जाती है, मीडिया में यह सब नहीं बताया जाता है। अब देखना यह है कि दोनों के बीच में जो है क्या खिचड़ी पक रही है, या आने वाले दिनों में क्या बीजेपी JDU साथ रहेगी, या दोनों में कोई आगे जो मामला होने वाला है या आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरा राजेश के साथ रूपेंद्र श्रीवास्तव, जी मुंडिया। क्यों खास है बीजेपी का यह कार्यक्रम? बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह से हमारे डिप्टी रेजिडेंट एडिटर धीरज ठाकुर ने खास बातचीत की। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं बीजेपी के सांसद और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधा मोहन सिंह। सर, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है, पहली बार सभी मोर्चों के एक साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो रही है। नहीं, हमारे जो राष्ट्रीय स्तर के मोर्चे हैं, 7 मोर्चे हैं,
और एक बार पहले भी संयुक्त कार्यकारिणी की बैठक हुई। ये जो मोर्चों की अलग अलग जो कार्यकारिणी होती है उसकी एक बार बैठक का लाभ ये है कि सब मोर्चा एक दूसरे को समझते हैं और कोई मोर्चा अच्छा काम यदि कर रहा है तो वे उसको भी फॉलो करते हैं। ये पटना के अंदर ये दूसरा संयुक्त मोर्चों का राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है ये, और इसमें 700 से ज़्यादा हमारे जो प्रतिनिधि हैं भाग ले रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी ने उद्घाटन किया है और सम्माननीय गृह मंत्री जी इसका समापन करेंगे। तो क्या क्या मुख्य रूप से आप लोगों का इसमें चर्चा रहेगा, क्या एजेंडा रहेगा पार्टी को लेकर के, मजबूती को लेकर के? नहीं, कार्यकारिणी के अंदर तो सबसे पहला विषय, कोई भी कार्यकारिणी जब बैठती है राज्य का, प्रदेश का, जिले का, तो पिछले समय में क्या किया है वो अपना वृत्त देता है और आगे की योजनाओं का निर्माण करता है। ये कार्यकारिणी की बैठकें हमेशा एक निश्चित समय पर होती रहती। तो बिहार को लेकर के सर क्या है, बिहार मिशन 2024-2025? ये मोर्चा जो हमारे मोर्चा हैं उनका संयुक्त बैठक है, उनकी जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी है उनका संयुक्त बैठक है, जो रूटीन वर्क है हमारा। तो ये थे राधा मोहन सिंह जो कह रहे हैं कि राज संयुक्त बैठक है सभी मोर्चों की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी है और उसी को लेकर के जो आगने वाली योजनाएं हैं उसको लेकर के चर्चा होगी इसमें। कैमरामैन निशांत के साथ धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। इधर राज्यसभा के सांसद सुशील मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि सुशील मोदी ने कहा है कि जेडीयू कभी आरजेडी के साथ अब नहीं जाएगी। सीएम नीतीश के बारे में जानता हूं, वो कभी भी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे, ये कहा है सुशील कुमार मोदी ने। जेडीयू आरजेडी के साथ एक बार जाकर उसका अंजाम देख चुकी है। बीजेपी जेडीयू की सरकार काफी अच्छे तरीके से चल रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह के बयान पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टियां अपनी तैयारी करती है, उसी को लेकर ललन सिंह ने बयान दिया है। सुशील मोदी से बात की जी मीडिया संवाददाता रूपेंद्र ने। हमारे साथ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी जी हैं और उनसे बात करते हैं। सुशील जी, अमित शाह जी आज जो हैं कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, खुद जेपी नड्डा जी भी आए हुए हैं, क्या है बीजेपी का मेगा प्लान? देखिए, ये हमारे जो 7 मोर्चे हैं उनके जो राष्ट्रीय पदाधिकारी है, कार्य समिति, उनके लोगों की ये बैठक है और बीजेपी ने एक नई शुरुआत की है। अब हम अलग अलग मोर्चों की अलग अलग बैठक नहीं करते बल्कि सभी मोर्चों को मिलाकर एक साथ बैठक करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी का निर्देश था कि अब कोई भी बैठक केवल दिल्ली में नहीं होगी बल्कि दिल्ली के बाहर होगी। इसलिए पहली बार जो राष्ट्रीय पदाधिकारियों की भी जो बैठक थी वो जयपुर में हुई और एक नई और शुरुआत की हम लोगों ने हैदराबाद की बैठक के बाद। जब भी कोई बड़ी बैठक होगी तो जो सदस्य भाग लेने वाले हैं वो 2 दिन पहले आएंगे और उस राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में जाकर 2 दिन रहेंगे। सभी लोग गए हैं, 200 का फॉर्मूला तैयार हुआ। ललन सिंह ने कह दिया 200 पर ही क्यों गए, 243 पर चले जाते हैं, ये उन्होंने कहा 200 पर तैयारी उन्होंने किया की बात है तो 243 पर तैयारी करते हैं उन्होंने। ललन सिंह जी ने कहा, मैंने भी देखा है, उन्होंने कहा भाई हम भी तैयारी करते हैं सभी सीटों पर, कोई पहली बार थोड़ी है। जब हम कम सीटें जीते थे उसमें भी सभी सीटों पर हम तैयारी करते हैं, तो हम तीसरे तैयारी करते हैं सभी सीटों पर ताकि सहयोगी दल की मदद कर सके। अगर हम गया में कमज़ोर होंगे तो जदयू की मदद कैसे करेंगे, कटिहार में अगर कमज़ोर होंगे तो मदद कैसे करेंगे, और अगर जनता दल यू कमज़ोर होगी तो वो हमको कैसे मदद करेगी। इसलिए हम अपने सहयोगी दलों को भी मदद कर सकें, इसलिए हम पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, बहुत बेहतर तरीके से चल रहा है, लेकिन अब ये जिस तरह से जेडीयू की चुप्पी है लग रहा है 2013 वाली घटना तो अब 2022 में तो नहीं हो जाएगी, कहीं फिर नीतीश कुमार जी उधर तो नहीं चले जाएंगे। देखिए, कहावत है ना, फिर मुर्गी बेल तले, मुर्गी गई बेल के पेड़ के नीचे, बेल आकर गिर गया उसकी सर पर। तो जदयू एक बार राजद के साथ हाथ मिलाकर देख चुकी है तो अब जनता दल यू दोबारा राजद के साथ नहीं जाने। सर, ये आप कैसे कह सकते हैं, कहीं नीतीश जी का मन बदल गया चले गए तो? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं नीतीश जी को भी जानता हूँ और बिहार की राजनीति को भी जानता हूँ जी। तो राजद के साथ कभी भी जनता दल यू का कोई तालमेल नहीं होगा। तो साफ तौर पर सुशील मोदी ने कहा है कि राजद के साथ कभी भी जनता दल यू यानी कि जेडीयू का तालमेल नहीं होगा। तब देखना यह है कि जिस तरह से बिहार में राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं सुशील मोदी के दावे कितना सत्य साबित होते हैं। कैमरा राजेश के साथ उपेंद्र सवाते, जी मीडिया, पटना।